अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती। जिंदगी में ना जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं। कभी आप अपने आप को बहुत डाउन फील करते हैं और कभी आप हवाओं से बातें करने लगते हैं। आपकी जिंदगी आपके अपनों के गिर्द घूम रही होती है। कोई अपना, कोई ऐसा रिश्ता जो बीमार हो जाए, जिसको कोई चोट लग जाए, उसको चोट लगती है लेकिन तकलीफ आपको होती है। और यही रिश्तों की जो बुनत है, इसे जिंदगी कहा जाता है। आप अपनी जिंदगी में आगे चल रहे होते हैं मगर साथ साथ उन सारे रिश्तों को एक साथ लेकर चल रहे होते हैं। और जब उन सब रिश्तों में से कोई एक अपना आपका हाथ छोड़कर कहीं आपसे दूर चला जाता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपके पैरों तले से जमीन निकल गई, आसमान आपके सर पे रहा ही ना हो और आपकी जिंदगी में जैसे ब्रेक सा लग जाता है। इंसान ये सोच भी नहीं सकता कि वो जो उसके अपने प्यारे रिश्ते हैं उनके बगैर उसकी जिंदगी कितनी अधूरी हो जाती है। और जब वो अपने एकदम उसका हाथ छोड़ जाते हैं, वो अपने जिन्होंने उसे चलना सिखाया हो, जिन्होंने उसकी उंगली पकड़ के उसे सही राह सिखाई हो, सही राह दिखाई हो, जब वो उसकी आंखों से ओझल होते हैं तो जिंदगी में बहुत कुछ उसे खोना पड़ता है। आज का शो एक खास शो है और वो इसलिए कि जुम्मे की दोपहर जब ARY में काम करने वाले उस हर फर्द को इस खबर से आगाह किया गया कि हाजी अब्दुल रजाक याकूब गांधी साहब का इंतकाल हो गया है, जो कि इस चैनल के बानी, जो कि इस चैनल के फाउंडर थे, जिन्होंने इस चैनल की बुनियाद रखी, अपनी फैमिली को इकट्ठा करके हमें भी अपनी फैमिली में शामिल होने का एक मौका दिया। ARY में जब भी कोई खुशी का मौका हो, किसी की बेटी की शादी हो, ARY के में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को मधु किया जाता है। एनिवर्सरी हो, कोई भी खुशी हो, हमेशा मैंने जब से मैं ARY आई हूँ मैंने नोट किया है कि ARY के हर एक एम्प्लॉय को बिल्कुल घर के फर्द की तरह समझा जाता है और उसी तरह उनको उनकी मेहमान नवाजी की जाती है जिस तरह कि कोई अपने बराबर के लोगों की करता है। घर आए मेहमान की हमेशा इज्जत की जाती है और शायद यही वजह है कि जब ARY फैमिली पे कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई गम आता है तो हम सब एम्प्लॉयज ऐसा फील करते हैं कि जैसे हमारी अपनी फैमिली का कोई तकलीफ है, कोई गम है। और आज जाहिर है फ्राइडे को जब हमने शो कर लिया तब हमने ये खबर सुनी, तो आज वो पहला दिन है जब मैं यहाँ सामने बैठ के लाइव शो कर रही हूँ और बड़ा मुश्किल होता है शो करना जब आपके सारे जो हेड्स हैं वो सब बहुत उदास हों, वो सब बहुत टूट से गए हों, क्योंकि हाजी अब्दुल रजाक साहब सबसे बड़े भाई हैं इस फैमिली के और उन्होंने हाथ पकड़ के सबको चलना सिखाया है, फैमिली बिजनेस को एस्टैब्लिश किया है। उनके जाने का गम फैमिली में ही नहीं बल्कि पूरे ARY ग्रुप में है। और ये दो तीन दिन से हमारा पूरा एनवायरनमेंट एक उदास, दुखी सा है, शोक का सा माहौल है। ऑफिस में वो जो चहल पहल, गहमा गहमी थी वो बड़ी रुक सी गई है। आज जो शो हम कर रहे हैं वो हम हाजी साहब को डेडिकेट कर रहे हैं और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ये कहना चाहूँगी। मेरी इनसे ऐसी मुलाकात नहीं हुई लेकिन शादी ब्याह में जब मैं गई हूँ इनकी फैमिली में तो इन्होंने मेरे सर पर हमेशा हाथ फेरा। और अभी जब हम लंदन गए थे तो ये बहुत बीमार थे, वेंटिलेटर पे थे, हॉस्पिटलाइज थे, काफ़ी अरसे तक ये बीमार रहे। वहाँ इनकी मिसेज ने और सारे खानदान ने मुझे घर पर मधु किया था दावत पर, तो जो मेहमान नवाजी का सबूत इन्होंने दिया था मैं हैरान रह गई। मैं और मेरे मियाँ, मेरे बच्चे, हम लोग हैरान रह गए कि जाहिर है कुछ भी कहें इस चैनल के मालिकान हैं और हम यहाँ जॉब करते हैं लेकिन जिस तरह इन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की थी, जितनी इज्जत दी थी, उससे इनका मुकाम और भी ऊंचा हो गया मेरे दिल में।
हाजी अब्दुल रजाक साहब की जो मिसेस थी, उन्होंने जितनी शफकत से, जितनी मोहब्बत से हमारी मेहमान नवाजी की, इनकी बेटी जिस तरह मुझसे मिली, मुझे लगा ही नहीं कि मैं इन लोगों से पहली दफ़ा मिल रही हूँ। वो मोहब्बत, वो खलूस जो ज़ुबान से अदा किया जाता है, उसका गुण शायद इस फैमिली से कोई सीखे। और इसीलिए हम सारे आज, मैं इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके अपने सारे जितने भी कलीग्स हैं जो ARY में काम करते हैं, एक छोटे से छोटा पोस्ट से लेकर बड़ी से बड़ी पोस्ट तक, मैं इंतहाई दुख का इजहार करती हूँ ARY फैमिली को, और ज़ाहिर है हम भी इस फैमिली का हिस्सा हैं, इंतहाई दुख का, गम का इजहार करते हैं। और साथ साथ हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हाजी अब्दुल रज़ाक साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। और जो लोग भी हमें देख रहे हैं, जो लोग इस चैनल से मोहब्बत करते हैं, उन सब से यही दरख्वास्त है कि हाजी अब्दुल रज़ाक साहब की मग़फ़रत के लिए दुआ फरमाएं। आज मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहती हूँ। जब आपका कोई अपना आपसे दूर जाता है, चाहे वो आपकी माँ हो, बाप, बहन, भाई, बीवी, बच्चा, तो आपकी आपकी वो क्या कैफियत होती है? या अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो किस तरह आपने अपने आप को संभाला है, ये आज आप मुझे लिखकर भेजेंगे। आज हमारे शो पे कुछ ऐसे गेस्ट होंगे जो आपको स्क्रीन पे एक्टिंग करते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं, मगर आज वो अपने जो उनसे बिछड़ गए हैं, और उनके बिछड़ने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आई, वो खुद अपने आप यहाँ आकर बताएंगे। मेरी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी ज़िंदगी में जब मेरी दादी, और ख़ास तौर पे मेरे दादा का जब इंतकाल हुआ था, वो लम्हात मेरे जहन में अभी भी घूमते हैं, और जब भी मैं जिक्र करती हूं तो मेरा दिल भर सा आता है। और ज़ाहिर है जब आपका अपना कोई इस दुनिया से जाता है तो आपको एहसास होता है किसी दूसरे के गम का, दुख का। अल्लाह ताला ने हम सबको यहाँ जो दुनिया में भेजा है, हम सब ये बात जानते हैं कि हमने सबने एक दिन जाना है, लेकिन जब भी कोई हमारा प्यारा, हमारा अपना हमसे दूर जाता है तो तकलीफ़, वो दुख, वो कुछ थम सी जाती है अंदर। और जब भी फिर किसी अपने का जिक्र किया जाता है तो आँख का आंसू यहाँ आँखें टिक जाता है, और वो जो सारा वक्त है जो उनके साथ गुजारा हुआ होता है, वो उनकी सारी अच्छी बुरी बातें वो आपके दिमाग में घूम सी जाती है, एक जैसे रील सी चलना शुरू हो जाती है। आज हम हमेशा बहुत हैपनिंग और बड़े एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज करते हैं, लेकिन आज ना जाने क्यों दिल चाहा कि आपके अंदर जाके आपको महसूस किया जाए। आज हम सब मिलकर एक दूसरे को महसूस करेंगे, क्योंकि जब इंसान एक दूसरे से करीब होता है तो वो एक दूसरे को महसूस करना शुरू करता है। शायद मेरी बातें आप बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर पाते हैं, और इसीलिए मैं आपकी बात बहुत अच्छे से महसूस कर पाती हूँ। वो सारे फनकार जो आप TV पे देखते हैं, आज हम उनकी बातों को महसूस करेंगे। और अगर हम ये कहें कि हम एक दूसरे का गम बांटेंगे, तो शायद आज की सुबह हमें ये लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में, हमारे साथ और बहुत सारे गमगीन लोग हैं जो एक दूसरे से अपना गम बांटने के लिए तैयार हैं। तो आइए इस सुबह का आगाज़ करते हैं, थोड़ी गमगीन सुबह सही, लेकिन आइए अपने प्यारों को याद करते हैं आज की सुबह। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब्दुल रज़ाक याकूब ARY ग्रुप के बानी, एक कामयाब बिजनेसमैन और समाजी शख्सियत, 7 मई 1944 को हिंदुस्तान के शहर सूरत में पैदा हुए। वालदैन के साथ हिजरत करके कराची आए और यहीं सकूनत अख्तियार की। 1969 में कारोबार की गरज से दुबई का रुख किया, और कारोबार का आगाज महज एक कुर्सी और मेज से किया। अपनी जहानत और खून पसीने बहाकर कामयाब मंजिल की राह हमवार की। 1972 में ARY ग्रुप कायम किया और खानदानी कारोबार को परवान चढ़ाने के लिए भरपूर जिद्दोजहद की।
हाजी याकूब एक सादा और खुदा तर्स इंसान थे। इंसानियत की खिदमत से उन्हें प्यार था। तालीम के फरोग के लिए जरूरतमंद तलबा को स्कॉलरशिप देना, लोगों की माली इमदाद करना, गरज लोगों के काम आना उनका सेवा था। हाजी अब्दुल रज़ाक समाजी तंजीम वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी रहे। जुमा 21 फरवरी को हाजी अब्दुल रज़ाक इस जहाने फानी से कूच कर गए। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो आपस में एक दूसरे को करीब करने के लिए होते हैं, और जब आप किसी इंसान से उसका दुख सुनते हैं या उसकी यादें शेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसके करीब हो जाते हैं। और आज मैंने आपसे कहा है कि आपकी ज़िंदगी में जब कोई ऐसा दुख या कोई ऐसा मोड़ आया हो जहाँ आपसे कोई आपका अपना बिछड़ गया हो, वो सारी यादें आप हमसे शेयर कर सकते हैं हमारे आज के शो पर। हमारे साथ एक ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट है जिनको आप कई सालों से देख रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देख रहे हैं मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में। आजकल काफ़ी इन हैं और मुख्तलिफ ड्रामों में एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रोडक्शन में भी काफ़ी अच्छा, कहते हैं ना कि एकदम प्रोडक्शन में आ गए और काफ़ी अच्छे अच्छे ड्रामे पेश किए जो कि हम बहुत एंटरटेन होकर देखते हैं। एक कहते हैं कामयाब आदमी के पीछे बहुत सारी चीज़ों का हाथ होता है, उसकी माँ का, उसके घर में जितनी भी खवातीन होती हैं उनका हाथ होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे दुखों का भी हाथ होता है। जब वो यंग एज में कोई दुख इंसान को एक झटका लगता है ज़िंदगी में तो वो उसको खड़ा कर देता है। वो बहुत सारे पैम्पर्ड लोग, वो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको बड़ा प्यार करके, लाड प्यार करके बड़ा किया होता है, वो अपने पैरों पे तब ही खड़े होते हैं जब इनको ज़िंदगी में एक झटका लगता है, और वो झटका होता है सर से छत के चले जाने का, यानी कि आपका जो सरबराह है घर का, आपके वालिद, उनका एकदम चले जाने का। मैंने कई दफ़ा नुमान मसूद को बुलाया है अपने शो पे और मुख्तलिफ इंटरव्यू में मुख्तलिफ सवालात भी किए हैं, बहुत कुछ हम इनके बारे में जानते भी हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू जिसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे वो है कि जब नुमान अपने वालिद साहब से बिछड़े हमेशा के लिए, ये बिछड़ना था, ये दूरियाँ थी हमेशा के लिए। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम नज़ा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। हमने अभी बहुत सी बातें करनी है। हमारी फैमिली के जो सरबराह हैं वो तो दो दो तीन तीन चार चार लोगों के सरबराह हैं जिनकी तस्वीर लगी हुई है हाजी अब्दुल रज़ाक, हाजी रज़ाक साहब की। मतलब ये वो हैं जिन्होंने बहुत सारी फैमिलीज को सपोर्ट किया है। जी, ये बहुत सारी फैमिलीज के सरबराह हैं, बल्कि हम थे कभी भी नहीं कहते, क्योंकि ऑब्वियसली थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी कर दी हैं जो मतलब सदियों तक चलती रहेंगी। एग्जैक्टली, इनके आगे जो इनकी औलाद है, जो इनके भाई हैं, जो इनकी आगे औलादें होंगी, ऑब्वियसली इस सिस्टम को लेके चलेंगे आगे। तो मुझे जब तीन चार दिन पहले ये पता चला, ऑल्दो रज़ाक भाई काफी बीमार रहे, मगर एक दुनिया में एक प्रेजेंस होती है एक इंसान की, आप उसको देख सकते हैं, मिल सकते हैं, एक तसल्ली होती है कि आपके सामने है कोई। तो मुझे सच्ची बात है बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि ARY का बहुत हाथ है मेरी कामयाबी के पीछे। क्योंकि जब मैं लोगों की कामयाबी के पीछे क्योंकि जब मैं 9 साल पहले 10 साल पहले कराची आया था तो ARY ने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया था मुझे इस्टेब्लिश होने में, क्योंकि जब एक नया बंदा आता है तो उसको बड़ी प्रॉब्लम्स होती है नई जगह पे। मगर बिल्कुल एक मुझे फैमिली वाला माहौल मिला, आज तक वो फैमिली है, बल्कि हम भूल गए हैं कि ये चैनल है और हम एक्टर हैं या प्रोड्यूसर्स हैं। अब तो जैसा फैमिली में लड़ाइयाँ होती हैं, हमारी भी होती हैं, दोस्ती होती है, प्यार होती है, ओकेजन होते हैं, मगर ये है कि ऑब्वियसली ही इज़ द पायनियर, इन्होंने ये बुनियाद रखी थी इस चैनल की। इस चैनल के तवस्सुत से बहुत सारे लोग, हम तो सिर्फ चैनल की बात कर रहे हैं, इनके जो बाकी बिजनेसेस हैं ऑब्वियसली वो भी इनकी फैमिली हैं। तो माशाल्लाह इन्होंने, मैं ऐसे मौकों पे ज्यादा अफसोस इसलिए नहीं करता क्योंकि इन्होंने अपना टेन्योर, हर इंसान दुनिया में एक एक टाइम के लिए आया हो। बिल्कुल। कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ लोग थोड़ा बहुत करते हैं, कुछ लोग हद से ज्यादा करके जाते हैं, कुछ लोग अपनी जिंदगी भरपूर जी लेते हैं, उनकी जितनी भी एज होती है, जितना भी उनको अल्लाह ताला ने मौका दिया होता है जीने का, उसमें वो भरपूर जी लेते हैं। इन्होंने, अल्लाह
इन्हें आला दर्जा अता फरमाए जन्नत में। इन्होंने अपनी एक भरपूर जिंदगी गुजारी, कितने खानदानों को एस्टेब्लिश किया, कितने भूखों को खाना खिलाया, कितने ट्रस्ट चलाए, कितने लोगों को सपोर्ट किया। हाँ। मेरा ख्याल है कि ये जब गए होंगे तो इनको ये तसल्ली होगी कि यार पीछे मैं कोई ऐसा काम नहीं छोड़ गया। हाँ, बिल्कुल। जैसे कई जगह ऐसे होता है कि एकदम फैमिली से बाप चला जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। और पीछे फैमिली सड़क पे आ जाती है। हाँ, हाँ। उनको सपोर्ट करने वाला है उस वक्त बहन भाई चचा चचा मामू सब साथ छोड़ जाते हैं। इनकी एक बड़ी खास बात यह जो मैंने ऑब्जर्व की कि इनकी 5 बेटियां हैं माशाल्लाह, और इन्होंने अपनी बेटियों को बेटों की तरह ग्रूम किया है। इनकी जो क्लोजनेस बेटियों से थी वो एक जबरदस्त मुझे लगती थी। नहीं, आप फैमिली के किसी भी मेंबर से मिलें आपको उन्हें रजाक में नजर आएंगे। इन्होंने अपनी तरह स्ट्रांग बनाया सबको, सबको कामयाब बनाया, सबको बताया कि यार दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये तो भी शुरुआत है, इससे आगे जाना है। तो वो चीजें ऐसी हैं कि जो आई बिलीव द होल फैमिली वी आर वेरी लकी, ए आर वाई इज वेरी लकी, सारे यहाँ की मैनेजमेंट एम्प्लॉय सब बड़े खुशकिस्मत हैं कि वी हैड सच अ ग्रेट गॉडफादर जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को इतना फ्लरिश किया है कि अब हम क्या, हमारे बाद जो जनरेशन आएंगी ये वो नहीं है कि जैसा एक बंदा चला जाता है पीछे मामला ठप हो जाता है। इन्होंने ये उस मोड़ पे गए हैं जहाँ पे मामला शुरू हुए। तो दिखा दिया सबको, इन्होंने दिखा दिया कि यार ये चीज है, इस पे अब चलते रहोगे तो ठीक है, नहीं चलोगे तो तुम्हारी मर्जी है। बिल्कुल। बहुत बहुत कामयाब बिजनेसमैन आए और चले गए, किसी ने याद भी नहीं किया। मगर आई एम श्योर के रजाक भाई को हम लोग हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और जिंदा है ऑब्वियसली, तो यार तो खैर इट्स लाइक फैमिली। और ये बड़ी फैमिली के सरबरा ये हैं, क्रेडिट इनको जाता है कि इन्होंने मगर अबू बिल्कुल सही थे, चलना फिरना ऑफिस जाना, मगर डॉक्टर ने कहा था जी आपने सीढ़ियां तेज नहीं चलनी है, भागना दौड़ना नहीं है आपने, आपने अब ये नहीं करना, तो वो उन चीजों से तंग आ गए, तो उन्होंने कहा यार मेरा बाईपास करो। उस वक्त आपको मौका मिला उनकी खिदमत करने का? हाँ माशाल्लाह बहुत, मतलब कोई भी औलाद उस मेरी जगह पे होगी तो करेगी। हाँ, एक होता है ना औलाद को एक तसल्ली होती है कि हमने आखिरी वक्त में अपने पेरेंट्स की खिदमत की है, हम उनके साथ हैं। मतलब वो माशाल्लाह जिंदगी में होती है बहुत। फिर इस मोड़ पे आके आप ये सोचते हैं कि यार ऑपरेशन कराना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, ऑफिस जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, हो सकता 10 साल और जी जाते। बिल्कुल। अब ये वो बात आती है कि यहाँ पे आके आप बेबस हो जाते हैं कि आपका कौन सा फैसला सही है। आप अगर नहीं कराते तो कहेंगे यार देखो कोशिश नहीं की। हाँ। आपने कराया तो फिर ये इंसान के साथ रहता है हर बार। तो ये वो चीज होती है कि यहाँ पे आके आप ना अल्लाह से सवाल कर सकते हैं, ना आप सोच सकते हैं कि हमने गलत किया। हालांकि नेगेटिव थॉट बहुत आती है इंसान के अंदर कि यार ना ही कराते बेहतर था। तो जब अम्मी और बहन को सहारा देने की बारी आई तो फिर नुमान उनको सहारा देने में कामयाब हुए या सारे टूटे हुए? हम तीनों बच्चे थे घर में, हम तीनों बड़े हो गए। किसने सपोर्ट किया उसको? सबने एक दूसरे को। हाँ। और निदा हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, मैं सच्ची बात बताऊं कि उनकी प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि उनके ज्यादा वक्त एक एक चीज सिस्टमेटिक हुई हुई थी। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको मौका मिला कि आपने अपनी फैमिली के लिए सब कुछ किया हुआ है, हमारा घर अपना जितना पैसा वो छोड़ के गए, हमें कोई हार्डशिप नहीं हुई, हमने बहुत किसी से कोई सपोर्ट नहीं लेनी पड़ी, वो सारी चीजें बड़ी एक आपको जो है ना थोड़ा सा सपोर्ट दे देती हैं। हाँ, मतलब है कि वो ऐसा कुछ नहीं था कि जिसमें हम कहें कि यार खुदा ना। अब जो लोगों की क्लियरेंस 5-5 साल में होती है, आपके होते हैं ना ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड सारा कुछ। हाँ, अबू का 1 महीने में हो गया था। हाँ, वो माशाल्लाह वो इतनी जल्दी जल्दी हुआ, और वो क्रेडिट जाता है उस्मान अंकल को जो अबू के बचपन के दोस्त थे। बिल्कुल। नुमान, होता यह है कि जिंदगी में आपको माँ बाप की इतनी सपोर्ट होती है, गायबाना सपोर्ट होती है कि कभी आप किसी मुश्किल में भी फंसते हैं ना तो आपको ही होता है कि अम्मा अब्बा पीछे हैं, वो तो है, वो निकल जाएगी। जिंदगी में आगे अब्बू के इंतकाल के बाद कभी जिंदगी में आप टूटे हों और जब आपको अब्बू की कमी इतनी शदीद महसूस हुई हो कि शायद आज वो जिंदगी में होते तो मेरे साथ ये ना होता? या यार मैं बड़ा बदमाश होता था। हाँ, मतलब मैं बड़ा टार्जन टाइप होता था। हाँ, मैं बड़े फड्डे किया करता था इस्लामाबाद में। जब अबू की डेथ हुई ना तो मैंने वो सारे काम छोड़ दिए, क्योंकि उस वक्त आपको ये एक ढारस होती है कि यार कुछ भी मसला होगा ना तो अबू हैं। छोड़ मैंने सारे फड्डे इसलिए दिए क्योंकि वो होता है कि यार बाप के जाने के बाद देखो खराब हो गया, और फिर यू हेड ऑफ द फैमिली,
आप कुछ भी करेंगे उसका इफेक्ट फैमिली पे आता है एकदम, जिम्मेदारी का एहसास खुद ब खुद पैदा हाँ, हो जाता है। मैंने बताया ना कि हम लोग विद इन 6 मंथ्स हम सारे बड़े हो गए, मैं मरियम अम्मी, अम्मी भी बच्ची थी हाँ। अम्मी को भी एक चेक साइन करना नहीं आता था हाँ। अब सारे 6 महीने के अंदर बड़े हो गए, अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठा ली, अपना अपना काम, एक दूसरे को सपोर्ट करके खड़ा कर दिया। 2 साल तक बहुत कोशिश की गई कि जी मुझे पीआईए में आना चाहिए, क्योंकि अम्मी ने 18 साल पीआईए में काम किया, अच्छा अबू ने 32 साल काम किया, अच्छा तो अम्मी का ये था कि यार हमारा बेटा भी पीआईए में आएगा हाँ। जिस फैमिली ने 50 साल दिए हूँ हाँ। तो 2 साल तक भाग दौड़ करते रहे करते रहे करते रहे, और पीआईए की तरफ से कोई ओके नहीं आया। फिर मैंने एक जॉब शुरू की शुगल मेले में हाँ। फ्रेंकली स्पीकिंग में बताऊं, मैंने हमेशा, अल्लाह ने मुझे हमेशा बहुत हंसता खेलता ही रखा हाँ। मेरी पहली सैलरी थी 4,000 रुपीज, अच्छा इट वॉज बैक इन 1994। उसके बाद मैंने होटल, एक 5-स्टार होटल ज्वाइन किया इस्लामाबाद में हाँ। फिर मैं एक सेलुलर कंपनी में आ गया हाँ। और साथ साथ एक्टिंग शुरू कर दी हाँ। वो भी अबू की जब डेथ हुई थी, अबू मुझे 6 महीने पहले PTV लेके गए, अच्छा। और बल्कि नहीं, अब्दुल करीम बलोच साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी भी डेथ हो गई, वो अबू के बहुत अच्छे दोस्त थे, तो वो जनरल मैनेजर PIA थे, तो वो हमारे घर खाने पे आए, तो उन्होंने कहा बेटा, उससे बड़ा मैं बॉडी बिल्डिंग वगैरह नया नया आया हुआ था, आई वाज 19 तो उन्होंने कहा कि तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते, मैं कहा जी मुझे तो नहीं आती, मुझे तो मॉडलिंग आती है हाँ, एक्टिंग का तो हाँ, मुझे पता नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम कल आना हाँ, हाँ, तो ये अबू पता नहीं क्या सोच के वो कुछ बना के गए थे, जैसे कुछ कर गए थे कि जो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि वो हुआ क्या था। और आप फिर उसी फील्ड में, और PIA की जिस जिस चीज की कोशिश की वो नहीं मिला, और PIA तो उनके लिए ऐसे था कि यार हमारे बेटे को तो मसला ही कोई नहीं होगा हाँ, हाँ, जिस फैमिली ने 50 साल दिए हैं हाँ, उनकी फैमिली की औलाद को तो बाहर से पढ़ के आया हुआ हाँ, मैं ये हाँ, भी नहीं था कि कोई मैं बहुत ही मजबूर लागर था बिल्कुल, तो मगर वो नहीं हुआ। 2 साल तक पूरी कोशिश की अम्मी ने कि किसी तरह, अब्बू के दोस्तों ने कोशिश की, नहीं हुआ। ये अल्लाह ने ही कुछ बनाई होती है राह के किधर जाना, वो सारा ट्रैक इधर का बना हुआ था। अच्छा, अगर मैं आपसे सवाल ये पूछूंगी और इसको, इसका आंसर आपसे ब्रेक के बाद पूछूंगी, कि अगर आज अब्बू जिंदा होते हैं तो क्या होता जिंदगी, ये कभी सोचा है आपने? और अगर सोचा है तो बयान कीजिएगा ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। कितने याद आओगे रुठ के हमसे कहीं, जब चले जाओगे। प्यारा क्या हो रहा है यार? कहां से आए? वो अब्बा, वो मेरी दोस्त है ना, मेरी सहेली फाखरा, कसम से अब्बा मैं सच कह रही हूँ, ये अल्लाह पाक की कसम उसी ने दिया है। वापस कर क्या उसे? उसे कहना ऐसी चीजें सहेली वो बांटने की नहीं होती। देख लेना अब्बा, छूटते ही सबसे पहले तो ये कहेंगे कि केबल की कमाई नाजायज है। असल में बात ये कि मेरे अब्बा जो है ना, वो मेरे फूफीजाद भाई सादुल्ला से मेरी शादी करना चाहते हैं। टंडू आदम में रहता है वो। अब भला देखो उस जगह का नाम ही कैसे, टंडू आदम, खुद भी वो वैसा ही है टंडू आदम। और अभी तो 2 महीने बाद ना मेरी नाक से बोलने वाली पुप्पो नाजिल होने वाली है। पता है वो इतना ज्यादा नाक से बोलती है, खैर नाक से तो मैं भी बोलती हूँ, पर वो तो इतना ज्यादा नाक से बोलती है कि खुद उनकी समझ में नहीं आता है कि क्या कह रही है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरे शो पे कैसी गेस्ट आई हैं जो पहली दफा इस शो पर आई हैं, और उनके आते ही उनसे इतनी ज्यादा पर्सनल बात मैं करने वाली हूँ। ऑब्वियसली आज क्योंकि हमारा टॉपिक ये है कि वो प्यारे जो आपको छोड़ के चले गए, जो आपके दिल से बहुत करीब थे, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हो, और उनके जाने के बाद आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए। फायजा का जिसका पैकेज आपने देखा, बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं और मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को बहुत ही भरपूर तरीके से अदा करती हैं, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो सीरियस हो, कम काम करती हैं लेकिन क्वालिटी काम करती हैं, और हमेशा जब भी उन्होंने किसी भी ड्रामे में काम किया है वो ड्रामा नोटिस में आया है। ये नहीं हुआ कि काम किया और बस इधर से उधर चला गया। तो फायजा को यहाँ मैं बहुत खुशी से वेलकम करूंगी क्योंकि पहली दफा वो मेरे शो पे आई है। अस्सलाम वालेकुम फायजा, कैसी हो? आई एम गुड, आई एम गुड। ठीक हो? और बहुत अच्छी लग रही हो, बड़े दिनों बाद आई हो। थैंक यू।
आज हमारा टॉपिक कैसा है आपको शायद पता होगा कि फ्राइडे को हमारे इस चैनल के सरबराह, मैं कहूँगी, जिनकी डेथ हो गई, और इसी हवाले से हमने आज का टॉपिक ये रखा है कि घर की फैमिली का सरबराह माँ या बाप को ही कहा जाता है और उनके दम से रौनक होती है बच्चों के चेहरे पर, चाहे शादी भी हो गई हो। आपकी अम्मी से मैं मिली हूँ खुद, और हाँ, आपसे हाँ, मेरी मुलाकात उनसे हुई है। और कुछ अरसे पहले मैंने खबर सुनी थी कि लाइक वो एक उनके साथ एक सानेहा हुआ और हाँ, इट्स तकरीबन एक साल हो गया है, 11 जनवरी को हुआ लास्ट ईयर। इट्स जस्ट हम क्या हुआ था वो उनको किसी ने फायर करके नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इट्स जस्ट यू नो कराची इज लाइक दैट के कहीं पे भी कुछ भी हो जाता है। तो मेरी बहन बाहर से आई हुई थी, वो विजिट कर रही थी, मेरा भाई भी स्कूल से आया हुआ था, तो हम सब वी जस्ट प्लान टू गो आउट फॉर डिनर, और मैं गाड़ी चला रही थी और अचानक बस वो, हमने गाड़ी साइड पे पार्क की भी थी, अचानक फायरिंग शुरू हुई, तो सब झुक जाते हैं। इस एक यही तरीका होता है कि अगर फायरिंग हो रही है तो आप झुक जाते हैं, तो बस हम सब झुक गए और फिर उसके बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट की और भगा दी। और वो कौन सा इलाका था, कुछ याद है? इट वाज ये शबीराबाद है, इट्स नियर मोहम्मद अली। अच्छा, इट्स रिलेटिवली बड़ा सेफ एरिया समझा जाता है, मोहम्मद अली सोसाइटी के नजदीक है। लेकिन कराची में कोई भी आई थिंक जगह सेफ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस फिर वो हमने गाड़ी भगाई, तो मेरा भाई उनके बराबर बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि इनको कुछ हो गया, तो मैंने कहा मे बी, क्योंकि बिल्कुल हमारे सर पे फायरिंग हो रही थी, मैंने कहा हो सकता है वो थोड़ा बेहोश होश हो गई हो, थोड़ा वो जाता है ना, डर जाता है आवाज से। तो बस फिर मैं अस्पताल ले गई और हमें उस वक्त तक भी नहीं पता चला था कि हुआ क्या है। फिर जब हम इमरजेंसी में ले गए सब हुआ, बट दे सेड के उनका इंतकाल हो गया है, उनको उनको गोली लग गई थी इस तरह। तब उन्होंने जब चेक किया तो पता चला कि गोली लगी थी, और मैंने वो गाड़ी की डिग्गी से होती हुई, कार सीट से होती हुई बैक से स्ट्रेट टू द हार्ट। ओह माय गॉड। तो बस फिर कांट डू एनीथिंग। तो तुम्हारा मतलब इंसान ने कभी सोचा भी नहीं होता कि इस तरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट आई डोंट नो, इट्स आई थिंक हम हमेशा ये सोचते हैं, कम से कम मैं ये सोचती थी कि मुझे ऐसा लगता था जैसे ऐसा कभी होगा नहीं, शी विल नेवर लीव मी। तो जब ये हुआ, तुम्हारे करियर में मैंने देखा हमेशा से वो तुम्हारे साथ साथ रही। हाँ, शी वाज द ओनली वन जो बहुत ज्यादा सपोर्टिव थी, बिकॉज शी वाज सिंगल मदर, और उन्होंने हम दोनों बहनों को, भाई को पढ़ाया, सब किया, और खुद काम भी करती थी। और जब मैंने कहा कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन अब पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए, और एक एक जो एक है यानी कोई ऊट पटांग हरकत नहीं करना। क्योंकि फायजा जब भी फारिग बैठी होती थी तो मुझे वो नॉवेल्स पढ़ते हुए नजर आती, किसी से बातचीत नहीं, कोने में एक अपने एक अपनी प्राइवेट स्पेस लेकर और नॉवेल्स पढ़ती हुई। तो एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव। शुरू में मुझे समझ नहीं आता था, मैं लोगों को नहीं जानती थी, तो वो हमेशा मेरे साथ होती थी, एंड दैट्स हाउ वी वर टुगेदर। तो आप भी मुलाकात हुई थी, फिर उसके बाद वैसे भी बहुत सपोर्टिव थी, और खासकर शादी के बाद भी वो मेरे ही साथ रहती थी। तो इनफैक्ट करियर में उन्होंने सबसे ज्यादा स्क्रिप्ट मैं उनको पढ़वाती थी, वो करती थी, और फिर हम बड़ा सलाह मशवरा करते थे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मुझे पता नहीं क्यों मेरे जहन में ये था कि बस ये कभी होगा नहीं। और अच्छा, और चलो बीमार वगैरह भी नहीं थी, तो मुझे बस हमेशा ये लगता था कि जहन में भी नहीं था कैसे उनकी वजह से तुम्हें हमेशा सपोर्ट मिली है। ऑलवेज सो सपोर्टिव है ना। हाँ। शादी के बाद भी जब तुम्हारे साथ होंगी तो जाहिर है बहुत सारी चीजों में अम्मा के मशवरे, शी वाज जस्ट ऑलवेज देयर। हां, और हालांकि वो ये नहीं था कि शुरू से उन्होंने हम सबको बड़ा इंडिपेंडेंट रखा, क्योंकि वो चाहती थी कि प्रैक्टिकल खातून लगती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि वो खुद भी करियर ओरिएंटेड थी और हाउसवाइफ टाइप नहीं थी। तो वो हमेशा हमें ये कहती थी कि नहीं, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो मेरी बहन ने MBBS किया और उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो गई, बच्चों को पढ़ाया उन्होंने। हाँ, पढ़ाई पे बहुत तवज्जो दी। मैंने इंटरमीडिएट के बाद से अपने घर में कभी पैसे घर से नहीं लिए, बिकॉज आई स्टार्टेड मॉडलिंग, उसके साथ साथ पढ़ाई। हाँ, दोनों मास्टर्स मैंने उसी काम करते हुए मैंने किए सब।
तो वो हमेशा ये कहती थी कि इंडिपेंडेंट औरत को इंडिपेंडेंट और पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी बहुत जरूरी है ताकि उस पर कोई भी कभी भी वक्त पड़े तो वो खड़ी हो सके। जैसे तुम्हारी अम्मी अकेली खड़ी हुई बगैर तुम्हारे अब्बा के, वो उन्होंने तुम्हें परवान चढ़ाया। क्योंकि मेरे वालदैन में अलहदगी हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने हमें कभी वो नहीं किया, ना मैंने उनको कभी खुद नाखुश देखा। वो हमेशा होता ना, कभी कभी कुछ माएं सारा अपना दुखड़ा बच्चों से रो रही होती हैं। नहीं, never happened। और उन्होंने कभी ये भी नहीं कहा, उन्होंने कभी हमसे ये भी नहीं कहा कि क्यों हुई क्या हुई, ऐसी कभी कोई बात डिस्कस नहीं किया। इन फैक्ट द गुड थिंग वाज के शी नेवर ट्राइड टू टेल अस के कुछ बुरा हुआ ये हुआ, कुछ भी नहीं, बस ठीक है कुछ लोग साथ नहीं रह सकते इसलिए ऐसा हो गया। सो इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। एंड तुम लोगों की पर्सनालिटी उन्होंने रुइन नहीं होने दिया, उन्होंने तुम लोगों को भरपूर जिंदगी दी और उसके बाद अपने पैरों पे चलना सीखा। हाँ ये है कि उन्होंने हमें बिल्कुल जैसे जैसे हमाए होती है ना बाज़, वो कहती है कि हाय मेरी बच्ची बस में कैसे जाएगी, मेरी बच्ची अकेले यूनिवर्सिटी कैसे जाएगी, ये नहीं उन्होंने होने दिया। उन्होंने कहा ठीक है ये है, ये करना है, अब जाओ। भाई साहब कुछ बेटियां या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अम्मा की गोद चाहिए होती है रोने के लिए भी और अम्मा से खुशियां शेयर करने के लिए भी। फायजा का शुमार किन बच्चों में होता है? आई थिंक ऐसी नौबत कभी आई नहीं क्योंकि उन्होंने शुरू से हमें ऐसा रखा कि ये सब है और ये हम ये करना है, तुमने अच्छा भी है बुरा भी है। कुछ बच्चे होते हैं उनको लाड चाहिए होता है अम्मा से, अपने हाथ से खाना खिला दें या नहीं। आई थिंक हमारी अम्मी ने हमें किया नहीं इस तरह, तो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया। फायजा के केस में होता था, आंटी फायजा की गोद में सादा थी ना। अच्छा ये उल्टा चल रहा है इधर। बस ये है कि शी वाज ऑलवेज शी ऑलवेज ट्राइड टू मेक अस वेरी इंडिपेंडेंट। अब एक साल हो गया अम्मी को गए हुए और इस एक साल में तुम्हें किस किस बात पर वो याद आती है? वैसे तो हर वक्त याद आ रही है, वो हमेशा आती है क्योंकि मेरे साथ मेरे घर में रहती थी और मेरी बेटी को पढ़ाती भी थी। जिस दिन हादसा हुआ उस दिन भी शाम में मेरी बेटी को पढ़ाया उन्होंने और बस जस्ट कांट डू एनीथिंग। आई मुझे बस ये हुआ कि रिवर्स नहीं कर सकते हम बहुत सी चीज़ें, हालांकि मुझ में ये खामी है कि मैं आखिरी वक्त तक कोशिश करती हूँ कि हाथ से ना जाने दूं, कर लूं। आई एम क्वाइट अग्रेसिव अबाउट इट। सो तो जब उनको गोली लगी तो तुमने भी बहुत कोशिश की। आई ट्राइड रियली हार्ड और मुझे बड़ा वो है कि मैं कुछ नहीं कर सकी। हां एक्चुअली नेता मैंने ये देखा है कि अगर कोई मेरी तारीफ करता है या कोई ऑब्वियसली फायजा की या कोई आपकी तारीफ करता है या जो बच्चों की तारीफ करता है वो क्रेडिट माँ बाप को ही जाता है। बिल्कुल उसमें मैं कभी ये नहीं, मैंने हमेशा जब भी किसी ने मुझे तारीफ की है ना मैं कहता हूँ यार कि ये सारा क्रेडिट माँ बाप को जाता है कि ये उनकी ग्रूमिंग है, उन्होंने जो पढ़ाई करवाई, मतलब कई ऐसे। और मुझे अक्सर जिनके कहते हैं बेटियां तो माँ का अक्स होती है, अन्यथा मुझे उन माँ बाप से गिला भी होता है कि जिनके बच्चे सो कॉल्ड नहीं अच्छे होते या कुछ ऐसे काम करते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होते, क्योंकि वो चेक एंड बैलेंस माँ बाप का काम था। हाँ, ये टोटली माँ बाप की। अब मैं खुद पेरेंट बन गई हूँ तो मुझे लगता है कि आपकी जिम्मेदारी। कई लोग होते हैं, मैंने कई लोगों को देखा है उनके बच्चे कहीं जाते हैं तो बहुत उछल कूद करते हैं, वो कहते हैं बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। ये कभी नहीं होता। आपने आपके जो शुरू के जो 6 साल है ना वो सबसे टफ है बच्चे के। जो आपने शुरू के 6 साल ट्रेनिंग दे दी है वही आपको आगे रिलैक्स करेगी। मैंने कई जगह देखा है कि माँ बाप अपने घर में कुछ भी नहीं रखते, किसी के घर तोड़ फोड़ के बच्चे तोड़ फोड़ और वो बच्चों को लिफ्ट भी नहीं कराते कि बच्चे अपने लगे रहे खेलते रहे फुटबॉल बेडरूम के अंदर ड्राइंग रूम के अंदर। तो ये माँ बाप ऐसी चीज है और उनके माँ बाप आगे ऐसी चीज, मतलब ये तो एक ऐसा प्रोसेस है जो अनलिमिटेड है, चलता रहता है। तो ये सारा क्रेडिट माँ बाप को जाता है कि अगर बच्चों की तारीफ हो, बच्चों की ग्रूमिंग हो। और अगर आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे हम पूरे पाकिस्तान से या जो जो भी देख रहा है उनके सामने अगर इस काबिल हैं कि हमें यहाँ बैठा के डिस्कस की जा रही हैं ये चीजें, जो कि कई चीजें एग्जाम्पल्स बन सकती हैं, कई लोगों की मसले मसाइल चल रहे होते हैं, हमारे जो ये शोज होते हैं ये उनके लिए एक बहुत बड़ा एक एक क्या कहेंगे उसको राह होती है, उनकी पाथ उनको एक पाथ होता है कि जी आप इस पे चलेंगे तो सारे आप में से कोई ऐसी बात आप नेचुरली करते हुए आपके मुंह से निकल आएगी जो कि दूसरा अडॉप्ट कर सकता है उसको, exactly. वजह से उसको थोड़ी हेल्प मिल सकती है अपनी जिंदगी में। उस एक साल पहले की जिंदगी में और इस एक साल बाद की जिंदगी में फायजा की अंदर क्या चेंजेस आएंगे? अम्मा की वजह से बच्चों की पढ़ाई शढ़ाई थोड़ा सा तुम था कि अम्मा देख रही हैं अम्मी देख रही हैं उस वक्त में, और अब तुम्हें क्या लगता है कि क्या चेंजेस? अब बच्चों और घर के हवाले से थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले भी थी क्योंकि वो नहीं उन माओं में से नहीं थी कि
अच्छा ठीक है तुम काम कर लो मैं तुम्हारा घर संभाल लूंगी। वो ऐसी माँ थी कि बच्चों को जोड़ के रखना, तुम्हारी एक बहन और एक भाई को जोड़ के रखने वाली थी? नहीं, हम आपस में हमें एक था, खुद थी बॉन्डिंग, खुद था वो, इन मामलों में इंटरफेयर भी नहीं करती थी। अच्छा। और वो ये भी नहीं था कि जैसे मेरा घर वो सपोर्ट कर रही हूँ उस हवाले से कि घर चलाना है, वो बिल्कुल नहीं थी। वो कहती थी तुम्हारा घर है तुम देखो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फ्रॉम डे वन शी वॉज लाइक दैट, शी वॉज नॉट इंटरफेयरिंग एट ऑल। तो वो ये कहती थी कि जो करना है तुमने करना है, तुम्हारे घर तुम्हारे बच्चे सब है। और लेकिन एक वो होता है, एक्चुअली शी वॉज अ वेरी गुड कंपनी। अच्छा। हम दोनों बहुत फिरते थे कि जैसे वो नॉन एग्जीबिशन होता है तो वो कहती थी चले चले चलते हैं देख कर आए, हम फिल्म देखने इकट्ठा जाते थे, हम खाना खाने इकट्ठा जाते थे। तो शी वाज मोर लाइक अ बडी। आंटी ने भी सारी फिल्म्स देखी हुई थी जो कि तुमने देखी हुई है। ये बहुत मुश्किल होता है, उसकी रीजन ये होती है कि अम्मा और बेटी के एज डिफरेंस होता है तो वो दिमाग नहीं, वाज नॉट लाइक दैट एट ऑल। और एक्चुअली दोस्ती बहुत ज्यादा थी। तो तुम्हें तुम्हें लगता है कि तुम माँ के अलावा एक दोस्त को भी मिस करते? हाँ वो है एक्चुअली, माँ से ज्यादा जो है वो दोस्त वाली चीज जो है वो, दैट्स व्हाट आई रियली मिस। क्योंकि वो सलाह मशवरे उसमें हो जाते थे। और भाई मैंने कहा ना कि शी इज वेरी गुड बडी, तो जैसे सहेलियां होती है ना कि चलो आज ये नया नई जगह खुली है यहाँ जाकर देखें करें, वो चीज बहुत ज्यादा थी। वो एकदम अम्मी के बाद से आप किसी को तुमने सहेली बनाया? नहीं कुछ नहीं, मियाँ को घसीटना पड़ता है ज्यादा। इफ इज इवन इफ इज हैप्पी इज नॉट आई हैव टू ड्रैग हिम टू दैट, बट ये हुआ। वो है, मैंने नुमान आपसे सवाल के था ब्रेक पे जाने से पहले कि अगर आज अब्बू होते आपके दरमियान तो क्या होता, क्या चेंजेस होती हैं जिंदगी? या बहुत सी चीजें डिफरेंट होती, मैं इतना मैच्योर ना होता। वो बच्चा आज भी जिंदा होता, जबकि उसको जिंदा रखा हुआ है मैंने संभाव, क्योंकि वो है तो सही ना। हाँ। वो चीजें तो हैं। हाँ। साथ कभी कभी बच्चा निकल आता है ना, वो निकल आता है क्योंकि वो ऐसी स्टेज पे गए थे कि जिस वक्त वो बच्चा आदमी नहीं बना था अभी, तो वो बच्चे से आदमी वाला जो दरमियान का प्रोसेस है ना, वो हमें इंस्टॉलमेंट्स में अब हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो हम हंस खेल रहे होते हैं वो हमारी वो शॉर्ट कमिंग्स हैं जो हम कहीं बीच में छोड़ आए। अगर आज वो होते तो शायद आप पी आई ए में होते, यानी पता नहीं क्या होता, मुझे तो ये नहीं पता। मतलब हाँ, ये ऐसा नहीं होता जैसे अभी हूँ, क्योंकि जब आपको एक साल के अंदर एक भाई भी बनना है, एक बेटा भी बनना है, मतलब सारे आपने एक मेल हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिस तरह आप अभी निभा रहे उस तरह ना निभा रहे। नहीं, इस तरह तो मैं कभी भी ना निभा पाता। अगर अब्बा की वजह से जो है वो फिर आप वही बने हुए होते, वो तो कभी भी नहीं। वो तो वो जो एक डिस्टेंस है, वो जो एक मैच्योरिटी का लेवल है, वो तो मैं कभी भी ना। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको उनके जाने से पहले पता चल जाता है, पता नहीं इंसान को जैसे होता है ना कि फीलिंग्स आ जाती है कि मैं चली जाऊंगी या मैं चला जाऊंगा। तुम्हारी अम्मी के साथ तो एकदम फायदा हुआ, तो वो कभी इस तरह की बातें करती थी कि मैं नहीं होंगी तो क्या? अम्माएं करती, मेरी अम्मा कहती है जब मैं नहीं होंगी पता चलेगा तुम लोगों को मेरी कदर होगी, इस तरह की अम्माएं कभी कभी करती। मेरी बीवी भी कहती है, तो मैं उससे कहता हूं कि यार मतलब वो सारी सिचुएशन आएगी तो पता चलेगा ना कि अगर तुम नहीं होगी तो। हाँ, के लिए फीलिंग्स और होती है जबान पर, ये तो है। पेरेंट्स के लिए और नहीं, ऐसी तो उन्होंने कभी बात नहीं की थी। हमने बल्कि मुझे याद है हमने हज इकट्ठा किया था, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो मुझे याद है वो बस ये कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम लोगों पे जो है वो डिपेंड ना कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं चलते फिरते जाऊँ। और हर माँ ये दुआ करती है, हर माँ बाप की ख्वाहिश कि मैं बिस्तर पे ना पड़ूं, मैं तुम लोगों के ऊपर डिपेंडेबिलिटी जो है ना, वो बड़ा वो मुश्किल काम सबके लिए है। क्योंकि वो सारी उम्र बहुत इंडिपेंडेंट रही थी, तो वो बस ये बात बहुत अक्सर करती थी। और उस वक्त तो बहुत जाहिर सी बात है ट्रॉमा होता है चले जाने का, स्पेशली इफ समबडी इज नॉट सिक और एनीथिंग, और अचानक ही हो जाए तो आप उसको जहन में वो करने में भी टाइम लगता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे लगा कि आई थिंक जो हुआ वो सही हुआ, क्योंकि शायद वो इसी तरह जाना चाहती थी अचानक चलते फिरते। और मरना तो सभी ने है। तो शुरू में मुझे बहुत होता था क्यों हुआ, ये है वो है, बट क्यों मैं उनको बचा नहीं सकी, काश मैं और जल्दी तेज गाड़ी चला। हाँ, ये मैं उस दिन नहीं जाती क्योंकि मेरी उस दिन शूटिंग होना थी वो कैंसिल हो गई थी, तो इसलिए भी प्लान खराब थे या एकदम नहीं, अचानक हुआ। वो एक्चुअली पास किसी दुकान में कुछ चोरी डकैती हो रही थी, तो वो
गार्ड ने फायरिंग की, उन चोरों ने गार्ड पे फायरिंग की और हम उसके दरमियान आ गए थे। वो लिखी भी थी उनकी और इसी तरह लिखी भी थी, बस वही बात है। शुरू में बहुत गुस्सा आता था कि क्यों हुआ, मैंने क्यों गई, क्यों किया ये वो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे वो हुआ कि नहीं, शायद वो चाहती थी कि इसी तरह हो, अचानक हो, पता भी ना चले और कुछ भी ना हो। और वाकई में हमारे यहाँ लोग इस बात को कहना पसंद नहीं करते वो, लेकिन सब चीजें बहुत स्मूथली हुई ऑनेस्टली, कि इवन मेरा भाई बराबर में बैठा था, उसे भी नहीं पता चला कि क्या हुआ, जो कि बिल्कुल बराबर वाली सीट पे बैठा था, मैं तो ड्राइव कर रही थी, उसे भी नहीं पता चला। तुम्हारी अम्मी एन मौके पे ही जहां था उसी वक्त, मतलब उनकी चीख आवाज नहीं, कुछ नहीं ना, यानी बराबर बैठे आदमी तक को नहीं पता चला और सब खत्म हो गया और पता भी नहीं चला। हम उसको बहुत दुख भी लेते हैं, मगर मैं उसको इस तरह लेती हूं कि दैट्स व्हाट शी वांटेड, क्योंकि मुझे याद है हज के दौरान ये बात निकली थी, शी सेड इट, और वही हुआ। और बड़े आराम से, बड़ी अच्छी जगह, हमने कोई ऐसी एफर्ट नहीं की, लेकिन कब्र बहुत आराम से, बड़ी अच्छी जगह मिल गई, बड़े आराम से तदफीन हो गई, सब बहुत अच्छा, जो हमारे यहाँ का जो भी है वो हुआ। सो आई थिंक, मैं सोचती हूँ सही हुआ, जो ये सारी चीजें फिर आपको थोड़ी सी ना एक तसल्ली दे देती है ना, फिर बांधती है। मुझे याद है शुरू में मैं रोज तकरीबन या एक दिन छोड़ के कब्रिस्तान जाती थी, बस मैं जाना चाहती थी, मैं चली आती थी। और फिर कुछ दिन बाद मेरे मियाँ ने मुझे कहा कि नहीं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा हाँ, अच्छी बात तो नहीं है, हमारे यहाँ कहते हैं औरत को नहीं जाना चाहिए, वो है, पर वो मसला ये था कि मुझे लगता था कि हाउ कैन आई लीव हर, वो वदे है, लाइक मेरे साथ रहती थी तो मैं कैसे छोड़ दूँ। लेकिन फिर जब हमारे मियाँ ने हमें कहा कि नहीं ऐसा है और यू हैव टू, जबरदस्ती नहीं कि उन्हें समझाया, एंड आई रियलाइज कि नहीं अब सही है, अब मुझे छोड़ देना। तुम्हारे ख्वाब में आती है कभी? बस जब हुआ था इंतकाल, उसके एक दिन बाद हुआ ये, फिर नहीं हुआ। ख्वाब में आई, शी वाज क्वाइट हैप्पी, शी वाज स्माइलिंग एंड हैप्पी, एंड देन आई डिस्कस इट विद फ्यू पीपल एंड सेड के नहीं, इट्स अ गुड साइन, क्योंकि मैं ज्यादा इन चीजों में थी नहीं बिल्कुल भी, तो इट वाज जस्ट वेरी न्यू टू मी कि क्या होता है क्या नहीं होता। मैं एक्चुअली लोगों से ताजियत भी नहीं कर पाती थी, ना मैं जाती थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि आप क्या, कहें क्या किसी को, जब आप जानते ही नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी बहुत दुख हुआ। हाँ। तो बट ये सब चीजें बिल्कुल नई थी, लेकिन जब हुआ तो आई रियलाइज कि ओके ये ऐसे ही है, जिंदगी ऐसी है, यू कांट डू एनीथिंग। और जब आपका कोई अपना करीबी आपका जाएगा तो ऐसे ही होता हमेशा। बस ये है कि मैं I think this is the first time I'm discussing it, वरना I don't even like to discuss it. I know, लेकिन कभी-कभी इंसान कुछ चीजें discuss करते हैं तो पता नहीं उसके अंदर से कोई एक चीज गुबार निकलता है, कोई गिराहें खुलती हैं। It's just I think इस चीज को इतना ज्यादा वो नहीं लेना चाहिए। मैंने ले लिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं ये है, सबने ही मानना है, fact है। हाँ, लेकिन ये सबको पता है कि ये fact है फायजा। हाँ। लेकिन जब जिसका अपना प्यारा जाता है तो उसके इमोशंस कंट्रोल में नहीं, फिर हाँ, वो लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपने क्या करना है। नहीं बिल्कुल, लेकिन आई थिंक कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द आप उस पर काबू पा लें। हाँ। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो कई कई साल इस चीज से निकल नहीं पाते। बिल्कुल। मैंने मेरे ख्याल में खासी डेलिब्रेटली कोशिश की, क्योंकि थोड़ा डिप्रेशन भी होने लगा था बीच में, मैं सोचती थी कि आई शुड कंसल्ट साइकाइट्रिस्ट और ये वो। मैं एक सीरियल कर रही थी उस दौरान ये हुआ, तो वापस काम पे जाने में भी मसला था, वो नहीं कर पाई थी, लेकिन मैंने काफ़ी कोशिश की और आई थिंक आदमी करे तो हो ही जाता है। एक्चुअली मसला ये है ना कि हर इंसान से और जिंदगियां मुंसलिक होती हैं। अगर आप अकेले हो ना तो फिर तो आप कहीं भी चले जाएं, कि बच्चे मियां कहीं चले जाएं, वो सबके साथ यही है। हाँ। मतलब है कि अगर मेरे साथ हुआ तो मेरे साथ अम्मी मरियम डरपोक होती थी। इसके बाद वो भी बिल्कुल, अगर आज उनको कोई देखे तो इनकी अम्मी बहुत, अब तो माशाल्लाह इतनी स्ट्रांग है कि उनको देखकर लोग आइडियलाइज करते कि हाँ भाई, पता है सब एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं बेसिकली, कि अब एक खोल चढ़ा लिया, ये सबने ऊपर ना एक वो खोल चढ़ा लिया होता है कि ये अपनी जगह स्ट्रांग हो गई, कि यार इसका मियां समझे कि हाँ ये ठीक हो गई है, मियां ने सोचा होगा कि हाँ बेहतर हो गई है, बच्चे ये सब एक दूसरे को ना धोखा दे रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज हम सारे अपनी उसी फेजेस में फंसे होते हैं। एक छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम एक और सेलिब्रिटी को बुलाएंगे यहाँ, और बहुत सारे लोग आपके आपके स्क्रीन पे जो बहुत सारे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करते हैं, आपको नहीं पता होता कि उनके अंदर क्या छुपा है। जब वो यहाँ वो मॉर्निंग शो में आते हैं और वो अपनी
असल उसमें आ जाते हैं, एक असल कैरेक्टर में जो जिंदगी में प्ले कर रहे होते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि वो भी आपकी ही तरह हसास है, और जब उसकी उसको तकलीफ होती है तो उसकी आंख से भी आंसू गिरता है। आइए ब्रेक के बाद एक दफ़ा दोबारा से मैं आपको एक और सेलिब्रिटी से मिलाऊंगी जो आपको हस्ती खेलती हुई स्क्रीन पे नज़र आती हैं मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में, लेकिन उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनको एक झटका लगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दिया शादी करने का ड्रामे में और शादी की नहीं, बेचारी वो ऐसी सुलगती रह गई। वादे किए उनसे झूठे झूठे, शादी किसी और से कर बैठे। वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट पर्सनालिटी शहनाज परवेज। अच्छा आपको फूल कैसे लगते हैं? जाहिर है हर लड़की की सोच खुशबू, फूल तो एक अंदर अरमान होते हैं। हाँ। फूल बहुत पसंद है। अच्छा, गुलाब के फूल बहुत पसंद, अक्सर शाम को मैं बाग में से तोड़ के ले आती हूँ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और ये हंसता मुस्कुराता चेहरा जो हमेशा हंसता रहे, अल्लाह करे हमेशा खुश, जब से मैंने इनको देखा है हंसती हंसाती नजर आती हैं, मस्ती में नजर आती हैं, लेकिन इनके साथ भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि हस्ती मुस्कुराती शहनाज परवेज़ भी एक दफ़ा टूटी हैं, और इंतहाई मोहब्बत करने वाली, सबसे अपने मियाँ से इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत इनकी मैंने देखी, क्योंकि बचपन से मैं इनको जानती हूँ, मेरी अम्मा से बड़ी अच्छी दोस्ती रही है, तो हमेशा मैंने इनको अपने हस्बैंड के लिए बड़ा केयरिंग पाया है और बड़ा उनका जिक्र हमेशा मोहब्बत से करती आई हैं। 6 साल पहले शहनाज आपा के हस्बैंड इनको छोड़ के चले गए, और अचानक गए थे ना, तो जरा होता है कि जब कोई बीमार होता है ना तो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है इंसान के, शायद ये इनकी डेथ हो जाए। कैसे हुई थी इनकी डेथ? बस अचानक बातें करते करते उन्होंने मुझे कहा है कि भाई मेरा ख्याल मैं टीवी देखता हूँ और तुम लोग सो जाओ, और अभी मैं थोड़ी देर सोई भी नहीं थी अच्छी तरह से, तो आके कहने लगे मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो मैंने पूछा क्या हुआ, कहने लगे मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है, पता नहीं गैसेस सी हो रही। हम अचानक उठे और बस उनको देखते देखते पानी देते देते उनकी तबीयत खराब हो गई और लियाकत हॉस्पिटल लेकर गए, और वहाँ जाके एकदम डॉक्टर ने कहा कि ये नहीं बचेंगे, हमें यकीन ही नहीं आया। पहले बीमार वगैरह नहीं, कभी बीमार नहीं हुए, कभी सिगरेट नहीं पीते थे, कोई ऐसी मुरगन गजाएं दिखाई ना जरा सबको, मैं सबने देखा भी होगा, स्क्रीन पे भी आए हैं ना। हाँ, है ना, एक्टिंग नहीं की लेकिन आपके साथ, बल्कि एयरवाई में भी उन्होंने जॉब की, वैसे तो पाकिस्तान टेलीविजन में चीफ डिजाइनर थे, फिर उन्होंने एयरवाई में भी काफी सारे सेट लगाए। शादी कैसे हुई थी इनसे? मैं पाकिस्तान टेलीविजन रावलपिंडी में बच्चों के प्रोग्राम में गई थी। हाँ। और शहजाद खलील साहब ने मेरी शादी करवाई। अच्छा, तो वहाँ ये सेट डिजाइनिंग में होते थे, डिजाइनिंग में, और वो आप ऐसी हंसती मुस्कुराती थी हमेशा से, बस इतनी इतनी बात बात करनी नहीं आती थी, कैमरा देख के तो मैं बेहोश हो जाती थी। आपकी कौन सी बात उनको पसंद आ गई इतनी जो आपको शादी के लिए प्रपोज कर? मुझे लग रहा है कि शायद मेरी मासूमियत उनको उस वक्त अच्छी लगी हो, अंदर का तो किसी को पता नहीं था, मगर उम्र छोटी थी उस वक्त। हाँ, हाँ। तो उस वक्त इतनी ज्यादा बात करनी भी नहीं आती थी। हाँ। तो ये लोग जाहिर टीवी के लोग थे। आप अंदर से नहीं, बाहर से भी बहुत मासूम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, वी ऑल लव यू। थैंक यू मेरी जान, सबके की मोहब्बत समेटती हैं। तो आपने उनमें क्या अच्छी बात देखी जो आपने कहा कि हाँ मैं शादी कर लेती हूँ उनसे? आदत के बहुत अच्छे थे, आपका ख्याल रखते थे, बहुत बहुत केयरिंग थे, बहुत अच्छे थे, उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और मुझे बहुत अच्छा रखा। हाँ, हाँ। किसी चीज की कमी नहीं दी मुझे। हाँ। और उनके दोस्त भी उनको बहुत प्यार करते हैं, आज भी वो देखेंगे तो उनको रोना आएगा, क्योंकि उनकी अपनी आदत बहुत अच्छी थी, हर एक से प्यार करना, हर एक का ख्याल रखना। हाँ। बच्चियों का ख्याल रखना, किसी की शादी है तो कहने लगा भाई पूरी चीजें निकाल के दे दें इसको। इतना प्यार करना बहुत कम है ना आजकल। हाँ। वो खुलूस जो उनके उनमें था। हाँ। वो आजकल में आपका रिलेशनशिप कैसा था, दोस्ती वाला? देखो था, दोस्ती भी थी। हाँ। देखो मियां बीवी में लड़ाइयां भी होती हैं। हाँ। गुस्से भी आते हैं। हाँ, उसके बगैर तो मजा नहीं आता। मगर मैं कहती 6 साल हो गए उनकी डेथ को, मुझे लगता है कि अभी भी यही है। मैं तो अभी भी उनके कब्रिस्तान के पास मेरी एक दोस्त रहती है, तो मुझे कहती तुम आई क्यों नहीं, मैं कहा तुम्हारे हस्बैंड भी हैं और मेरे हस्बैंड भी हैं, मगर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मैं यहाँ से गुजरूं और मैं अमजद को ना मिलूं। ये होता है अटैचमेंट की बात है ना, मगर मुझे नहीं भूले वो।
आपको लगता है कि आपके साथ बिल्कुल हैं, मेरे साथ हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह, ऐसी मोहब्बत बहुत कम मैंने देखी है दुनिया में, मगर होते हैं लोग जो सदियों नहीं भूलते। मगर जो आदतें हैं ना, आज मैं सोचती हूँ कि जो आदत है ना, इंसान को अपनी आदत बहुत अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि ना किसी की प्रॉपर्टी कोई किसी को दे सकता है, ना अपनी दौलत किसी को देता है। एक खलूस और मोहब्बत ऐसी चीज है जो मरते दम तक लोग कहते हैं यार भला उस बंदे का, उसने मेरे से इतने प्यार से बात की, मेरा ख्याल किया, पूछा। ये आदत जो होती है ना, आदत पे कंट्रोल करना, नफ्स पे कंट्रोल। आपकी बच्ची कितनी बड़ी थी जब उनकी डेथ हुई? मेरी बड़ी बेटी जो थी वो मेरा 14 साल की थी, 13-14 साल की। अच्छा। और छोटी 7 साल की। छोटे थे बच्चे जब उनकी डेथ हुई? बहुत छोटे थे। और बस ये है कि यकीन नहीं आता कि अल्लाह ताला, मकसद है बच्चे बेटियों को देख के कुछ और ज्यादा बंदे को फील। जब उनकी डेथ हुई एकदम, तो आपको ये सारी चीजें तो एकदम नहीं आई होंगी जहन में कि मैं कैसे करूंगी अकेले? उस वक्त तो मैंने पता नहीं, लोगों को देख के रोई, बहुत सब कुछ किया। मोइन भाई ने बहुत संभाला हमें और बहुत ख्याल किया मेरा, और मुझे कहते थे कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, और जब वो मर गए मैं क्या मेरे दरवाजे बंद। बहुत ख्याल किया उन्होंने। और जब हम कराची आए थे जब भी उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, अपने घर में रखा, ख्याल किया। वैसे तो पूरा पाकिस्तान टेलीविजन से मेरे मियाँ की दोस्ती थी, किसी से लड़ाई नहीं। आपको बड़ा एक मोराल कहते ना अप करने के लिए सब लोग आ गए। मुझे कभी नहीं लगा, मुझे तभी भी अपना वो मैका लगता है, मैं जब जाती हूँ टीवी पे तो मुझे लगता है कि जैसे मेरा घर यही है। ये होता है कि प्यार बहुत करते हैं सब लोग, बुशरा बहुत प्यार करती है, बद्दो बहुत प्यार करती है, ड्यूटी आप मतलब शुरू से ही आप हंसती मुस्कुराती रही हैं। हाँ, वैसे मैं फितरतन शैतान मजाइया कॉमेडियन। आपके हस्बैंड की डेथ के बाद आपको क्या लगा कि क्या आपकी फितरत में, आपकी नेचर में कुछ चेंज आया? चिड़चिड़ाहट बढ़ गई? चिड़चिड़ाहट बढ़ी थी बहुत ज्यादा, सोचती थी, रोती थी। फिर सब लोगों ने कहा कि अगर इस तरह रोती रहोगी तो तुम्हारा साथ कोई भी नहीं देगा, घर कैसे चलेगा, घर कैसे करोगी और क्या। पूरा घर चलाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी वालदा बीमार है, माजूर है, व्हील चेयर पे है, उनका भी ख्याल जरूरी नहीं होता कि कोई फाइनेंशियली करे। एक्चुअली कोई भी जो है ना, अब हम सारे अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, इतने प्रेशर्स में हैं कि हमें जहाँ पे सुकून मिलता है ना, हम उसको देखना चाहते हैं। बिल्कुल, हो सकता है उनकी भी प्रॉब्लम्स हो, मेरी भी प्रॉब्लम्स हो, उनको मैं बुरा लग रहा हूँ, मुझे वो बुरी लग रही होंगी। हम ये नहीं सोच, हम अपनी प्रॉब्लम सोचेंगे, दूसरे की नहीं सोचेंगे, क्योंकि टाइम बहुत तेज हो गया, प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, टाइम तेज हो गया। ये 8 साल पहले 10 साल पहले बहुत अच्छी लाइफ होती थी, उस वक्त ये इतने सारे लवाजमात नहीं होते थे। 10-15 साल में बड़ी सिंपल सी लाइफ, बहुत सिंपल सी लाइफ होती थी। ये वो कंप्यूटर, इससे इंसान चेंज आ गया। तो आपको लगता है कि वो हर वक्त आपके साथ है? बिल्कुल, मैं कहती हूँ। लेकिन कभी ऐसी जिंदगी में कौन सी खुशी या गमी आती है जिसमें आपको लगता है कि काश बस किसी वक्त अपने आप को तन्हा महसूस करती हूँ मैं, अपने आप को, जो बच्चों से बात, मेरी फ्रेंड्स भी नहीं है इतनी। अच्छा। मगर मैं जाती हूँ हर जगह, मेरी दोस्ती जरूर है, मगर एक दिल की बातें जो है ना वो हर एक के साथ नहीं कर, बच्चों के साथ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब इंसान टूटता है अंदर से फिर बच्चे टूटते। हमारे नबील साहब हैं ये जो बुलबुले वाले, कहते हैं आप अपने बच्चों के साथ टूटने वाली बातें मत किया करो। छोटी थोड़ी डरती थी ना, कहने लगा आप कुछ करती हैं ऐसे। मैंने उनको कहा कि मैं बेवा हूँ, तो कहने लगा मैं तुम्हारे घर जाके तुम्हारा बेवा का पेपर फाड़ दूंगा। कि तुम क्यों कहती हो मैं बेवा हूँ? मैं कहती बस, वैसे बड़ा बड़ा सपोर्ट करता है मुझे नबील भी, अल्लाह उसको जिंदगी दे। ये सब अल्लाह ताला की रहमत है, मैं इस काबिल नहीं थी जितना अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा, और मैं बहुत अच्छी लाइफ गुजार। अब शुक्र गुजार हूँ अल्लाह के, गुजार हूँ जगह हम बैठे हैं उसकी वजह से हमें सपोर्ट मिल गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हर एक को नहीं मिलती ये सपोर्ट, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत है। बिल्कुल, पता नहीं कौन सी नेकी है जो, मैं कहती हूँ उन्हीं की ब्लेसिंग है जो मेरे मियाँ की नेकियाँ थी वो जो मुझे मिली हैं, और आज मैं इस मकाम पे बैठी। बहुत सारे हमारे अपने प्यारे रिश्ते होते हैं जिनके जाने के बाद बिल्कुल हम टूट से जाते हैं, मगर कुछ रिश्ते ऐसी एज में चले जाते हैं जिस वक्त आप अपने पैरों पे पूरी तरीके से खड़े नहीं हुए होते, और उस वक्त आपको सिर्फ ये तकलीफ नहीं होती कि आपका अपना आपसे दूर चला गया, बल्कि आपको बहुत कुछ और सोचना पड़ता है। आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट बनना पड़ता है, क्योंकि वो जो कमाने वाला, वो जो सरबरा आपके सर से चला जाता है, उस वक्त आप सिर्फ ये सोचते हैं कि जो उनकी जिम्मेदारियां वो निभा रहे थे अब वो मुझे अपने कंधों पे। नहीं, टाइम आता है निदा कि आपको जो है ना उस वक्त फील नहीं होता। हाँ, जैसे मेरे अब्बू के बहुत इख्तलाफात होते थे कि मैं, वो बहुत सिस्टमेटिक थे, और मैं खुला डुला एक लड़का था, मैं गली में क्रिकेट खेलना चाहता था, मुझे अलाव नहीं था। हाँ। कि नहीं यार ऐसे नहीं है। मैं अब आके देखता हूँ ना, तो मुझे हर वो चीज जो मैं कर रहा होता हूँ ना अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए, मुझे लगता है यार वो भी तो यही करते थे। हाँ।
वो आहिस्ता आहिस्ता आपको लगने लगता है कि आप अब उनके यूनिफॉर्म में चले गए। बिल्कुल, हर वो काम आप कर रहे हैं जो वो किया करते थे। लेकिन आपके, आपने बताया आपके अबू ने इतना सिस्टमैटिक हर चीज बना दी थी कि आपको नहीं, वो तो माशाल्लाह, वो तो फरिया जब भी हमारे साथ हैं यहाँ, और इनके फादर की डेथ उस वक्त हुई जब इन्होंने शोबिज ज्वाइन भी नहीं किया था, जब एक वो होता है ना कि उस वक्त इनकी वो एज थी जब ये अपने पैरों पर भी खड़ी नहीं हुई थी, और घर को सपोर्ट करने के लिए, घर को संभालने के लिए फिर आपको खड़ा होना पड़ा। बिल्कुल, अब्बू की डेथ के बाद कितना अर्सा हो गया? बहुत साल गुजर गए, बहुत साल तब मैं बहुत छोटी थी। हाँ, छोटी से मुराद ये कि सेवंथ में पढ़ती थी। कितनी फैमिली मेंबर्स थे टोटल? एक भाई और एक बहन। एक भाई और एक बहन, अम्मी। शुक्र है ज्यादा लोग नहीं थे। हाँ, लेकिन वो जितने कम लोग थे उनमें से भी एक कमी एक और हो गई जो सबसे बड़ी कमी थी बाप की। हाँ, तो वो फिर बिल्कुल सूनापन हो गया। कैसे हुई थी उनकी डेथ? उनको कैंसर हो गया था, लंग्स का कैंसर हो गया था उनको ना। अच्छा, दुबई में होते थे, वहाँ पे जॉब करते थे। अच्छा, तो वहीं पे उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, फिर वहाँ से वो आए लाहौर आए, फिर उनकी हालत बहुत बिगड़ती गई और फिर एक दिन जो था, मतलब माँ बाप जो है ना, भले वो बीमार हों, भले वो चारपाई पे बैठे हुए हों, लेकिन बस उनका सर पे होना जो है वो बहुत जरूरी है। तसल्ली होती है कि हैं। बिल्कुल, एक सपोर्ट होती है बहुत। और खास तौर पे अब तो खैर आहिस्ता आहिस्ता जितनी मेरी एज हो गई है, जैसे जैसे सब हर चीज का जो है ना नेमुल बदल है इस दुनिया में। मिसाल के तौर पे हम सबके साथ ये है कि दुख सुख जो है जिंदगी में आ जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर मियाँ भी आपके सर पे ना हो तो आपके लिए काफी मुश्किलात हैं। लेकिन अब जो दौर आ गया है, जैसे हम लोग कहीं काम कर लेते हैं, अपने दिल पे एक हल्का सा जो है ना मरहम लग जाता है, जैसे अब ये थोड़ी बिजी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज का कोई ऑर्डिनेट तो नहीं है, लेकिन ध्यान आपका बढ़ जाता है, कुछ कर सकते हैं। हमारी जो फैमिली है ना मीडिया की, कई लोग हमारे बारे में अच्छा समझते हैं, कई बुरा समझते हैं, मगर ये कि जितनी बॉन्डिंग हमारी फैमिली में, हमारी इस फील्ड में है ना आपस में, चाहे वो लाहौर ड्रामा बन रहा है, चाहे पेशावर, चाहे कराची, चाहे लाहौर, एक दूसरे को सपोर्ट करते वक्त सब खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, आप किसी बैंक में हो, किसी एयरलाइन में हो, किसी का नहीं पता चलता कौन किधर गया, कहाँ गया, उसके बच्चे कहाँ चले गए। हमारी फील्ड में ये होता है कि समहाउ मोर और लेस हर बंदा इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल, इसलिए कभी जब भी किसी पे दुख आता है, प्रॉब्लम आती है, सब एक साथ तो कई लोग हमारी फील्ड में भी अच्छे नहीं है, जैसा हर फील्ड में होते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत हमारी, मगर हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, ये जो प्यार मोहब्बत है ना, कि हम किसी का ओकेजन होता है हम सब अपने सारे काम छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल, जबकि हम शायद शादियों में भी नहीं जाते कि यार नहीं हम बिजी हैं, हम शूट पे हैं या काम कर रहे हैं, मगर जब जब किसी को प्रॉब्लम होती है वी आर ऑलवेज देयर। यहाँ बहुत सारी ऐसी खवातीन भी बैठी हैं जो जिन्होंने अपने प्यारे खोए हैं, और वो आज अपने दिल का हाल यहाँ बयान करना चाहती हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, और आपको भी मैंने मौका दिया है आज कि जाहिर है हम लोग इतने दिल से करीब हो गए हैं, अब इतने सालों से मैं आपके सामने यहाँ आती हूँ, तो बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ, बहुत सारी बातें आप लोग मुझसे शेयर कर रहे होते हैं इस फेसबुक के थ्रू या SMS के थ्रू। तो आज आप भी मुझे लिख कर भेजिए कि जब आपका अपना प्यारा आपसे दूर गया तो उस वक्त आप ने अपने आप को कैसे संभाला। ये मैं आपसे पूछ इसलिए रही हूँ क्योंकि जो SMS चल रहे हैं उसको पढ़कर बहुत सारे ऐसे लोग जो इस वक्त टूटे हुए हैं वो शायद खड़े हो सके ये सब कुछ पढ़ के, कि हाँ और भी तो दुनिया के लोग खड़े होते हैं जब उनका अपना कोई प्यारा जाता है। छोटे से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे एक गेस्ट जो गाँव में जो सख्त, एक कभी कभी सख्त माँ बनती है, कभी कभी बड़ी नर्म दिल माँ बन रही होती है, हमेशा वो आपको रोती हुई नजर आई, तो आइए वेलकम करते हैं फरिया जमी। आप यहीं भी खड़ी रहे सबके आगे। नहीं नहीं, और क्या हुआ, सब नजर आ जाएंगे क्योंकि सब टॉल है और मैं सबसे झूमी हूँ। और ये हमेशा ड्रामे में दुखी माँ का किरदार अदा करती है, और आज उन्होंने बता दी कि असल जिंदगी में बिल्कुल दुखी नहीं है। से कहीं जब चले जाओगे तुम। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वो अपने प्यारे जो रूट के हमसे चले गए, ये तो नहीं कहना चाहिए कि रूट के हमसे चले गए, लेकिन जहाँ से आए थे वहाँ से चले गए, जिनकी अमानत थी वहाँ वापस चले गए। हाँ, जिंदगी से रूट के चले गए।
हमारी बस यही दुआ होती है हमेशा कि हमारे माँ बाप जो भी हमें छोड़ के गए हैं वो दिल में कोई बात ना लेकर गए. अक्सर होता है ना कि आप अपने अम्मा अब्बा से बहस भी कर रहे होते हैं, कभी लड़ाई भी करने लगते हैं, लेकिन माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, वो माफ कर देते हैं. लेकिन औलाद के दिल में एक हसरत रह जाती है कि बाद में ज्यादा उनको इस बात की समझ आती है जब माँ बाप नहीं रहते ना. कुछ बच्चों को बाद में उनकी समझ आती है, उनमें से एक मैं हूँ. पहले मुझे इतना नहीं पता था कि मतलब इज्जत तो जाहिर है हर कोई करता है अपने वालिदैन की, लेकिन जितनी देर अब्बा थे तब तो जैसे लाड प्यार, क्योंकि बेटियों का बाप से ज्यादा होता है. बिल्कुल. तो मेरे अब्बा से मेरा बहुत ज्यादा था, भाई से अम्मी का था. तो जब उनकी डेथ हुई तो फिर मुझे समझ आई कि ओफो क्या चीज चली गई, क्या चीज चली गई. और अभी भी मुझे लगता है कभी नींद से इंसान उठता है ना, अब बुढ़े होने वाले हैं, कितना अरसा हो गया इस बात को, अभी भी नमान खुदा की कसम कई बार ऐसे लगता है जब सो के उठती हूँ लगता है मेरे अबू शायद आ जाएंगे. सही कह रहे हैं, आते ही नहीं वो, वो कभी भी नहीं आते. अब तो मेरी अम्मी कहती है कि हमें जाना है बेटा उनकी तरफ, उन्होंने कभी नहीं आना. अगर आपके जीते जी आपके साथ कोई बुरा सलूक हो गया हो ना, मिसाल के तौर पे मतलब जैसे औरत की अलायदगी हो जाती है किसी मियाँ से, जैसे कि मेरी हो गई थी, सारी जिंदगी की ये हकीकतें हैं, तो उन बच्चों को तो सबर आ जाता है बाप से दूर रहने का या कुछ भी. उनको फिर वो आदत हो जाती है. नहीं, उनको आस भी होती है ना कि हम मिल सकते हैं. हाँ जी, लेकिन जिनके चले जाते हैं उनसे कुछ ना पूछो. मुझे तो आज भी लगता है कि अभी भी मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ और अभी भी वो मुझे इधर उधर से कहीं से कोई ना कोई आवाज दे देंगे और मैं चली जाऊंगी इस दुनिया में. आपको बहन भाई खामिद की सूरत में दुख सबसे बड़ा, शौहर का भी बहुत आपको दुख होता है कि आपकी पूरी जिंदगी जिसको हम समझते हैं कि खराब हो गई है, लेकिन इधर उधर से वही जो बातें हम लोग कर रहे हैं कि सहारा मिल जाता है, हमारी फील्ड बहुत अच्छी है, काम कर लिया, सबर आ गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उस चीज का सबर आपको कभी नहीं आ सकता. माँ बाप का कभी भी नहीं हो सकता. अब सारी जिंदगी अपनी माँ को, माएं बेचारी तो बूढ़ी होती हैं, उनको फिर आप वो उनके अंदर से भी वो चीज नहीं जाती. कोई खुशी होगी तब वो आपको याद आएंगे, कोई दुख होगा अच्छा, खुशी होती है तब ज्यादा याद आते हैं और इंसान रो पड़ता है. खुशी के मौके पे इतना याद आते हैं जो अपने आपके करीब होते हैं, इतना याद आते हैं. और निदा दुखों में भी ना कभी कोई बात हो जाएगी. अभी शहनाज कह रही थी कि अब हर बात तो हर किसी के साथ इंसान नहीं शेयर कर ले सकता ना, कोई कोई बात कह दे. जवानी में तो और ज्यादा होता था कि भाई हाय फला ने ये बात कह दी, आज मेरे अब्बू होते ना, एक छोटा सा बेबी बन जाना, अगर आज मेरे अब्बू होते ना तो वो इनको जरूर बता अबू ने क्या. हालांकि वो कोई पहलवान तो नहीं होते ना, पहले दौर में कोई पिस्तलें तो नहीं लगाई भी होती, बड़ा हौसला होता है एक बड़ा, लेकिन वो जो लाड था ना मेरे तो इतने लाड, फिर शादी हुई फिर दुख, मेरे से ना कुछ पूछो उनके बारे में. मैं तो बड़ी जज्बाती, यहाँ पे भी अपने पेरेंट्स के लिए हर कोई जज्बाती होता है, जितना भी कोई आपको सोफिस्टिकेटेड नजर आएगा, जो होता है ना अपनी चीजें बयान नहीं कर पाएगा, लेकिन आई डोंट नो अभी नुमान इतने बॉडी बिल्डर टाइप नजर आते हैं और होता है ना कि हर चीज पे हंस रहे होते हैं वो, लेकिन ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बाप के लिए, छोटा सा बच्चा ही है हमारे हाथों का बच्चा नुमान, जब से देख रही हूँ. लेकिन देख ले एक बाप बन के, एक बेटा बन के, एक हस्बैंड बन के, छोटे से बच्चे से सत्य गल्लां पेनी, कोई मजाक काम तो नहीं है ना. वही तो, माँ बाप का नेमल बदल कोई होता नहीं है. और जैसे फायजा ये कह रही थी कि कितने अरसे तक ये कब्रिस्तान जाती रही है, वो एक अटैचमेंट जो अपनी अम्मा से थी, एक दोस्त की हैसियत से, वो इंसान को, और अभी एक साल हुआ है और फिर उसके बाद तुम्हारे बच्चे भी अटैच होंगे ना अम्मा से तुम्हारी. हाँ, लेकिन असल में वो इतने छोटे हैं कि हमने उन्हें फिर बताया नहीं, बिकॉज दे कांट अंडरस्टैंड इट. बेटी मेरी 5 साल की है, बेटा 3 साल का, फिर वो समझ नहीं सकते तो. हाँ, हालांकि वो बहुत ज्यादा उनके साथ सवाल करते हैं कहाँ गई नानी. हाँ, वो अम्मी जैसे वेकेशन पे चली जाती थी इधर उधर, तो मैंने ये कहा कि वेकेशन पे गई. आई थिंक सबसे अहम चीज बस ये होती है कि आपको रिग्रेट ना हो. लाइक मैं आई फील माई सेल्फ वेरी लकी कि अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने उनके साथ टाइम नहीं बिताया, मैंने उनको इग्नोर तो नहीं कर दिया,
मैंने कोई फाइनेंशियली तो कोई ज्यादा नहीं कर दी उनके साथ या आप तो लकी है माशाल्लाह ये इस, मैं इस बारे में बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ऐसा कुछ कोई नौबत नहीं आई पछतावा नहीं रह गया अपनी जिंदगी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है और ये खुद एक्चुअली उन्होंने ही मुझे सिखाई थी वो कहती थी कि एक तो हमेशा आप जो भी करें आपका जमीर बहुत मुतमईन होना चाहिए और कोई रिग्रेट्स कोई पछतावा नहीं होना चाहिए किसी भी मामले में नहीं एक बात इन्होंने कही है कि खास तौर पे जब औरत का घर टूटता है ना जब और उसका बाप नहीं उसके सर पर होता तो फिर उसको ये फीलिंग आती है कि आज अगर मेरा बाप जिंदा होता ना तो जो मेरे साथ अभी हुआ वो नहीं होता ये उनको बताते ये एक होती है बाप मैं कहती बाप की जूतियां पड़ी हो ना बंदे का बड़ा रोब होता है मियां की जूतियां पड़ी मुझे लगता है नहीं तो जो घर में काबिल होता है उनके ऊपर भी एक रोब होता है कि इसके पीछे बैक है इसका बाप है बाप का भाई का एक बड़ा रोल कोई घर का मर्द है हम इसके साथ कोई ज्यादती करेंगे तो पीछे इनके बैक है लेकिन शादी के बाद भाइयों में भी मेरे ख्याल में जाहिर अपनी अपनी लाइफ होती है वो चीज नहीं रहती वो चीज नहीं बाकी बात होती है अपनी माँ और अपने बाप जो होते हैं ना उस जैसा कोई नहीं दादा मैं एक चीज पे बड़ा बिलीव करता हूँ कि दिन ब दिन हमारी लाइफ बहुत बिजी होती जा रही है कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है हम कई अपनी वैल्यूज को पीछे छोड़ते जा रहे हैं मैं उन लोगों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जो अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं उनको साथ रखते हैं उनके साथ होते हैं बहुत बड़ी उनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती हैं मगर वो उनको छोड़ देते हैं कि यार नहीं यार मैं आज पोस्टिंग करके अगर इंग्लैंड चला जाऊंगा तो मेरी पेरेंट्स तो पीछे मतलब है कि ठीक है मेरी टेलीफोन पे भी हालांकि अब कॉल्स तो फ्री हो गई है बिल्कुल अच्छा नुमान और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जो लूजर्स होते हैं जिंदगी में और वो इस वजह से कहते हैं वो सपना सोचते हैं वो कहते हैं अम्मा अब्बा की वजह से फला भाई देखो आगे निकल गया क्योंकि उसके साथ माँ बाप नहीं रहते थे लेकिन मेरे साथ रहते थे तो देखो मैं इधर ही मेरे साथ रहते ना इसलिए मैं आगे नहीं निकल क्योंकि आपको देखो आपको दुनिया जहान में मुझे माफ कर दीजिएगा मैं एक बात करने जा रहा हूँ मियाँ मिल जाते हैं बीवियाँ मिल जाती हैं आपको माँ बाप दोबारा नहीं मिलते बहुत बड़ी बात नहीं आते यही तो आपको जिंदगी में हर चीज मिल सकती है आप आपके सर्कमस्टांसेस हैं आपको कहाँ से कहाँ ले जाएंगे मगर आपको माँ बाप नहीं मिल सकते दोबारा कुछ भी कर लें आप ये नहीं तो वो जो टाइम है चाहे जैसा भी है मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके अल्लाह उनको बहुत देगा कि 10-10 साल से पेरेंट्स जो हैं बेड पे हैं इवन पॉटी पिशी नहीं कर सकते और औलाद उनकी हेल्प करी होती है कई बहुओं ने बहुत सपोर्ट किया कई बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया मतलब है कि वो और फिर ये होता है कि उनके आगे आता है ये चीज जो आप अगर अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा करें ये तो दुनिया पे है ना पाप दुनिया है। जो क्योंकि जो आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे ना आपके बच्चे भी वो आपके साथ करेंगे मकाफाते अमल एग्जैक्टली मतलब है कि हम लोग समझते हैं कि नहीं हम बहुत बिजी हैं ड्राइवर्स के हाथ छोड़ा हुआ है मुलाजमों के हाथ बच्चों को छोड़ा हुआ है उधर सब बिजी है एक टाइम आएगा कि उनकी उन बच्चों को अगर आप मिलेंगे ना उनमें वैल्यूज नहीं होती उन बच्चों के अंदर वो इफेक्शन नहीं होती है कि वो एक बच्चा आपको जब भी डालता है ना आके आपको पता चल जाता है आपको कितने प्यार से मिल रहा है एक बच्चा आपको दूर से हाई करके चला जाता है आपको पता है कि इनके घर में इतना ही डिस्टेंस है इससे करीब नहीं होते हमारे इस्लाम में जो बातें हैं अगर हम उन्हीं पे अमल करना शुरू कर दें बड़ी आम सी बात है ना ये कि अगर अपने माँ बाप का रोज आप मोहब्बत से मुंह देखें शक्ल उनकी देखें तो आपका हज है छोटी बात है इसमें कोई हिकमत है तो कहा गया ना आपके अब्बू की जब डेथ हुई तो आप सपोर्ट कौन करता था फिर फैमिली को उसके बाद कोई भी नहीं कोई भी नहीं। खुद आप घर में हम लोग रहते थे उसका एक ऊपर वाला जो पोर्शन था वहां से किराया आता था और मेरी माँ अल्लाह मेरी माँ को जिंदगी दे मेरी माँ ने अनथक मेहनत की मेरी अम्मी ने कढ़ाइयाँ सिलाइयाँ की उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं पढ़ जाऊँ मेरा बिल्कुल पढ़ाई की तरफ कोई रुझान नहीं था मेरे दिल में मेरी माँ की मेहनत जो थी ना वो रोजाना पल रही थी मैं अपनी अम्मी को देखती थी फिर मैं सोचती थी मैं कोई मैं इतनी तुर्रम खान नहीं थी आम सी शक्लो सूरत की थी लेकिन मेरे दिल में ये था कि तब भी तो कुछ ना कुछ कर सकूंगी लेकिन अपने अब्बा को ज्यादा ना खुशियां नहीं दिखा सकी जब भी कोई खुशी देखी उसके बाद अम्मी को अम्मी ने हज किया भाई की शादी की फिर एक बेहतर घर और लिया अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया इसी काम से लेकिन उनकी कमी नहीं कोई महसूस कर खत्म कर सका एक सवाल बहुत कॉमन हो गया जो मुझे बड़ा अजीब लगता है आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता अच्छा आपकी अम्मी आपके साथ रहती हैं सोचो क्यों ना रहे भाई ये एक सवाल जो मुझसे किया जाता है ना तो मैं बड़े हैरस में कहता हूँ नहीं हम उनके साथ रहते हैं प्यारी बात है ये
तो वो ऐसा एक सवाल आता है कि जैसे कि अच्छा मतलब ये दो डिफरेंट घर होने चाहिए, तो मुझे उस सवाल की आज तक नहीं समझ आई। तवाजन ठीक नहीं, नहीं मुझे बहुत लोग पूछते हैं, नहीं तवाजन नहीं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल सिस्टम है, मुखाम खा के मॉडर्न बने हुए अपनी तरफ से ना, मतलब है कि मैं, सिस्टम में जितना मतलब फायदा है कहीं भी नहीं। एग्जैक्टली जितना आपको एडवांटेज ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में है आप सोच भी नहीं सकते। अब मेरी अम्मी जो हैं वो इतनी कमजोर हो गई थी इस हादसे के बाद, अब इस वक्त वो लायंस क्लब की प्रेसिडेंट हैं। वो इस वक्त इतना काम कर रही हैं, इतना वो लोगों को हेल्प कर रही हैं, इतना सपोर्ट कर रही हैं, इतना सब कुछ कर रही हैं, मतलब है कि हमारी हमने उनको जवान रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, हम उनको पुश करते हैं ना, नहीं। हमारे पड़ोसी मुल्क में होता है ना, अम्मा को सफेद कपड़े पहना दो, चूड़ियां तोड़ दो, फलाना, नहीं भाई हमारे यहाँ तो ये नहीं होता। लड़ाई हो, आप वॉक पे नहीं गई, आप देखें वो इतनी आंटियां नीचे वॉक, आप क्यों नहीं जाती हैं? हमारी उनसे अच्छी बात है, एक रिलेशनशिप ही ऐसा है दोस्त, हमारी लड़ाइयां डेली बहसें होती हैं, मगर हमने वो एक रिलेशनशिप आज तक वही रखा हुआ है जो अबू ने चलाया था। बिल्कुल शाबाश। एक छोटे से ब्रेक लूंगी जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अपने माँ बाप की बातें इस तरह करना बहुत अच्छा लगता है हर औलाद को, और जब स्पेशली जब दोस्त बैठे होते हैं ना, तो वो आई डोंट नो एक माहौल सा बन जाता है जब आप अपने पेरेंट्स की बात करना शुरू होते हैं, और उस वक्त फिर आप रियलाइज करते हैं कि आपके लिए आपके पेरेंट्स क्या अहमियत रखते हैं, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू होता है। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और इस बहुत ही प्यारी सी डिस्कशन को हम दोबारा आगे बढ़ाएंगे, जो हम अपने माँ बाप अपने प्यारों के लिए करें कि उनकी जब वो थे तो हमारी जिंदगी कैसी थी, और जब वो चले गए तो वो हमारे दिल में अब तक बाकी हैं, उनकी यादें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। छोड़ के मुझे के हमसे कहीं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और यहाँ पे जो खातून बैठी हैं, मैं चाहूंगी कि अगर शायद उनका दुख थोड़ा सा कम हो सके, अगर वो शेयर कर सके अपने दिल की बात। वाइट कपड़ों में आप जो बैठी हैं, प्लीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका ऐसा कौन सा प्यारा है जो आपसे बिछड़ गया। माइक किधर है? माइक इधर है। कौन आपकी जिंदगी से जो बहुत करीब? ये माइक आपका पकड़। मेरे वालिद साहब थे। आपके वालिद साहब? जी जी, जिनसे हम बहुत प्यार करते थे। जी, उनकी डेथ को कितना अरसा हो गया? उनकी डेथ को तो काफी मेरे ख्याल साल होंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है जैसे अभी हुई। अभी है ऐसे। सबसे बड़ी मैं थी, इसलिए मेरे जिम्मेदारियाँ मुझ पर सकती। हाँ, अल्लाह का शुक्र है सारी जिम्मेदारियाँ बस भाई हो गई। जी, जब उनकी डेथ हुई थी और आपके ऊपर एकदम सारी जिम्मेदारियाँ आ गई थी, तो सपोर्ट किसने किया आपको, कैसे खड़ी हुई, किस तरह लेकर चली उन सारी जिम्मेदारियों को? बस जॉब करती थी बस, और भाई भी करते थे, छोटे भाई छोटे थे लेकिन करते थे। मेरी दूसरी बहन थी, उसने हेल्प की, इसी तरह जिंदगी खड़ा था। मैं मेरी अपनी वालदा की जब एज बहुत छोटी थी, जब उनके वालिद साहब यानी मेरे नाना का इंतकाल हुआ, और मैं ये सारी चीज़ें सुनते हुए बड़ी हुई हूँ कि जितनी स्ट्रगल मेरी वालदा ने की है उनके वालिद के इंतकाल के बाद, और पूरी फैमिली को जिस तरह सपोर्ट किया है, तो मुझमें फिर एक चीज़ मुझमें हर चीज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत पैदा हुई कि पैसे की भी बहुत अहमियत है, रिश्तों की भी बहुत अहमियत है, अपनाइयत है, और जी और ये सारी चीज़ें यहीं रह जाती हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत आपकी यादें आपके साथ जाती हैं, और जो स्ट्रगल करके आगे ज़िंदगी में निकलते हैं उनका ज़मीर हमेशा मुतमईन रहता है, और वो बड़े पुख्ता प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं जिन, और वो सारी बात आपने जैसे कही कि जो आप नज़र आते हैं, अगर आप अच्छे हैं, आपकी लोग इज्जत करते हैं, तो इसका क्रेडिट आपके पेरेंट्स को जाता है। एक अच्छी परवरिश जो है, हाँ, उसका नाम तो माँ बाप का होता है, का होता है, अच्छी का भी होता है, बुरी का भी होता है। हाँ। कोई मैं सिर्फ अच्छे क्रेडिट नहीं देता। अगर मैं कहूँ आपको अपने फादर को क्रेडिट देना है तो नुमान, तो आप क्या कहेंगे उनके लिए? मतलब ये जो बंदा सामने बैठा हुआ है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हिम। अगर फैमिली आज खुशहाल है, हाँ, एक अच्छे सिस्टम में चल रही है, मुझे नहीं जाता, मैंने सिर्फ किचन चलाया अपने घर का, उनकी चीजों को फर्दर आगे लेके गया हूँ। आज आप मुझे कह दें कि नुमान तुम घर बना सकते हो, मैं नहीं बना सकता। आज आप मुझे कह दें कि मैं कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर सकता हूँ, मुझे ऐसे लगा जैसे अभी रिसेंटली मरियम की शादी हुई अगस्त में, तो जब सब ने आके तारीफ की कि यार माशाल्लाह बहुत शान और शौकत से बहुत अच्छा, तो मैंने और अम्मी ने कोशिश की कि कोई कसर ना रह जाए ऐसी कि जिसमें मरियम को फील हो कि यार आज अब्बू होते तो ऐसे होता वैसे होता, मतलब
मैंने बताया ना कि हम सब एक दूसरे के साथ ड्रामा ही करते रहते हैं. हम सब एक दूसरे को जो है ना खुश रखना चाहते हैं कि यार कोई उस फेज में ना जाए वापस. तो जब वो शादी हुई जब सब वो, तो मुझे मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने नहीं अब्बू ने किया ये सारा कुछ. तो वो चीजें हैं वो आपके साथ चलती रहेंगी जिंदगी में हमेशा. ये तो बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हो आप लोगों को अपनी आवाज की वजह से. मैं बताऊं मुझे क्योंकि हर कोई इस तरह नहीं करता नौमान. मुझे एक चीज इतनी अच्छी लोगों को इस बात को समझना चाहिए. सॉरी मैंने मैं माफी चाहती हूँ कि कितना होनहार ये बच्चा है ना जो कह जो ये कह रहा है कि मैंने जो ये किया ताकि बहन के दिल में ये बात ना आ जाए कि आज अब्बा नहीं है. और वो मुझे बार-बार कहती थी यंगस्टर्स हैं उनको इस बात से अच्छी बातों से नसीहत लेनी चाहिए. बिल्कुल, कुछ बिल्कुल. लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ वो बिल्कुल अपने माँ बाप की इज्जत ही नहीं करते. नहीं करते बिल्कुल. सही कह रही हैं. फायजा कोई एक बात जो तुम अपनी अम्मी के लिए कहना चाहो कोई क्रेडिट उनको देना चाहो. नहीं वही जो नुमान ने कहा बात बिल्कुल सही है कि अगर यहाँ बैठे हुए हैं आपने बुलाया है अगर 10 लोग आपको जानते हैं किसी भी वजह से कि आप के मैं अदाकारी करती हूँ या मैं जो मैंने तालीम हासिल की है वो की. आई थिंक मेरे मामले में तो सारा ही क्रेडिट जो है वो मेरी वालदा को जाता है क्योंकि मेरे वालदैन में तलाक हो गई थी अलहदगी हो गई थी तो मुझे तो जो कुछ भी किया जिस तरह मैं इस वक्त आपके पास बैठी नहीं हूँ या मुझे लोग जानते हैं उसका तो पूरा अच्छा या बुरा जैसी भी मैं हूँ उसका 100% क्रेडिट वालदा को ही जाता है क्योंकि मुझे तो उन्होंने ही सब किया और मेरी बहन को भी उन्होंने पढ़ाया हमें पढ़ाया खुद मुख्तार किया और सारा जोर उनका मुझे अभी तक मैं सोचती हूँ इसी बात पे होता था कि खुद मुख्तार हो जाओ. और बात सही भी है क्योंकि अगर हम उन पे ही डिपेंडेंट रहते तो अब खुदा ना खास्ता अब जैसे वो नहीं रही तो हम बिल्कुल ही होते वो क्या करें क्या करें सिमटे हुए ना होते तो समेट के तुम लोगों को चली गई. हाँ उन्होंने हमें बहुत खुद मुख्तार बनाने की बहुत कोशिश की और आई थिंक किसी हद तक कामयाब भी रही. खासकर वालदा को जो है वो माँ को यही करना चाहिए बेटी के साथ क्योंकि ये आप एक तरह से मुझे लगता है दुश्मन ही कर रहे होते हैं अगर आप अपने बच्चों को अपने ऊपर डिपेंडेंट करके रखें कि नहीं मैं इसके लाड उठाऊंगी लड़का या लड़की. नहीं आपको चाहिए कि आप बच्चे को जल्द अज जल्द खुद मुख्तार बनाएं अच्छे तरीके से. हाँ. जिस तरह जानवर अपने बच्चों को एक हद के बाद उड़ा देते हैं छोड़ देते हैं कि अब जाओ खुद शिकार करो खुद परवाज करो. आई थिंक हमें भी यही करना चाहिए खासकर हमारे माशरे में इस चीज की बहुत जरूरत है क्योंकि हम आखिरी वक्त तक ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे काबू में रहे. बिल्कुल वो चीज नहीं करनी चाहिए वो आपका कोई वो बात सही है कि गलत चीजों में ना पड़े लेकिन आप उसे इंडिपेंडेंट करें आहिस्ता आहिस्ता कि वो निकले दुनिया को फेस करे. ये ना हो कि वो पलट के बार बार आपको ही देख रहा हूँ. बिल्कुल ये नहीं होना ना आप एकदम छोड़ सकते हैं अगले को ना एकदम आप कंट्रोल कर सकते हैं आप उसको आहिस्ता आहिस्ता सिस्टमेटिकली ताकि वो एक अच्छा सिटीजन बन के निकले. आज का एक्चुअली जो शो आपने देखा वो हमने डेडिकेट किया था उन लोगों के नाम जो हमारे प्यारे हमें छोड़ के चले गए और हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब गांधी साहब जिनका इंतकाल फ्राइडे को हुआ और 69 उनकी एज थी. इस एज में वो अपनी फैमिली को ARY को सबको छोड़ के चले गए. जो ARY की पूरी फैमिली है उन सबको मेरी तरफ से मेरे पूरे चैनल की तरफ से मेरे पूरे एम्प्लॉयज जो यहाँ पे काम करते हैं उन सबकी तरफ से बहुत अफसोस का इजहार करते हैं हम लोग. और साथ साथ दुआ मैं आपसे अपील करूँगी कि आप सब लोग जो हमें देखते हैं हमें सराहते हैं इस चैनल से मोहब्बत करते हैं QTV को बहुत शौक से देखा जाता है दुनिया भर में जो भी देखने वाले हैं वो इनकी मगफरत के लिए दुआ करें. और यहाँ हमने मुफ्ती साहब को भी बुलाया है मुफ्ती इस्माइल नूरानी साहब को जो दुआ करेंगे हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब साहब की मगफरत के लिए. अस्सलाम वालेकुम जी. बहुत सलाम जी प्लीज. दुआ कर जी. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. جتنے بھی مرحومین ہیں صاحبان ایمان اس دنیا سے مرد و خواتین انتقال کر گئے مولا کریم سب کی مغفرت فرما سب کے درجات کو بلند فرما بالخصوص یا أرحم الراحمین مرحوم حاجی عبد الرزاق یعقوب صاحب کی مغفرت فرما. उन्होंने जो भी इस दुनिया में खिदमत अंजाम दी हैं इंसानियत के लिए लोगों की भलाई के लिए हमदर्दी के लिए लोगों का साथ दिया है लोगों की किफ़ालत की है या रब करीम उनके इन तमाम कामों पर उन्हें बेहतरीन अजर अता फरमा. या अरहमर रहीमीन उनके कब्र व हश्र के मराहिल को आसान फरमा. या अरहमर रहीमीन या अरहमर रहीमीन
उनको जुमातुल मुबारक के बाबरकत दिन मौत नसीब हुई है, या रब्बे करीम उन्हें उस बाबरकत दिन की भी बरकत अता फरमा। यार हमर राहिमीन उनके पीछे जितने भी उनके लवाहिकीन हैं, उनकी फैमिली है, घर वाले हैं, और पूरी दुनिया में जो उनके चाहने वाले हैं और जितने लोगों की भी उन्होंने मदद की, या रब्बे करीम, या रहमर रहीमीन, सबकी दुआएं उनको अता फरमा। या रहमर रहीमीन उनके लवाहिकीन को, तमाम घर वालों को सब्र जमील, अजर अजीम अता फरमा। और जो पीछे उनके घर वाले हैं मौला करीम, उनकी तो अब बेहतरीन किफालत फरमा। यार हमर राहिमीन हम सबको भी अपनी मौत की और आखिरत की फ़िक्र की तौफीक अता फरमा। हम सबको ईमान की सलामती अता फरमा, ईमान और सुन्नत पर खातिमा बिलखैर अता फरमा। कल बरोज़ क़यामत हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात नसीब फरमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين।